ॐ श्री साई नाथाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ श्री साई नाथाय नमः। हेलो आंटी। ओम अग्निये स्वाहा। ओम अग्निये स्वाहा। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम उपनिषदे स्वाहा। ऊपर आपने जो बोला वही स्वाहा। उपनिषदे स्वाहा उपंत में मा। घी की कटोरी को नीचे रखिए। घी की कटोरी को नीचे रखिए। ऐसा नहीं बाबा, घी की कटोरी को नीचे रखिए। ऐसा नहीं बाबा, घी की कटोरी को नीचे रखिए। अरे बेटा मैं कह रहा हूँ घी की कटोरी को नीचे रखिए। आप घी की कटोरी नीचे रखने कह रहे हैं, मुझे लग रहा पढ़ रहे हैं। ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बेटा मंगल सूत्र पहनाओ, दुल्हन को पहनाओ, बजाओ बजाओ बाजा बजाओ। मांगल्यम तंतुनानेना मम जीवन हेतुनाम कंठे वध्रामि शुभे तंजीव तरजस्यतम मांगल्य धारण शुभमस्तु शुभंतो दीर्घमायुः। क्यों बेटा, आज तू मंत्र क्यों बड़बड़ा रहा था? मैं सपना देख रहा था कि मेरी शादी हो रही है। तेरी शादी हमेशा सपने में ही होती है, हकीकत में कब होगी भगवान जाने। ये लो कॉफी। अच्छा जरा बता वो सपने वाली लड़की कौन है, शादी की बात चला के देखें। माँ आपने एक फोटो दिखाया था ना, कोई शुभ लक्ष्मी या भाग्य लक्ष्मी की, वही लड़की थी। सॉरी बेटा, वो तो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई खत्म होने के बाद ही शादी करेगी, ऐसा उसका भाई आकर कह के गया। ठीक है छोड़ो ना माँ, मेरे लिए भी कोई अप्सरा भगवान ने बनाई होगी तो वो मुझे जरूर मिलेगी। हाँ उसे जरा जल्दी आने के लिए बोलो, मुझे उसे देखने की बहुत इच्छा हो रही है। बोलूंगा, कॉफी पीने के बाद बोलूंगा। एक सौ एक, एक सौ दो, एक सौ तीन, हाँ एक सौ चार, एक सौ पाँच, एक सौ छः, एक सौ सात। पिताजी दूध के हिसाब की जैसी लाइन क्यों खींच रहे हो? आह ये दूध का हिसाब नहीं है बेटा, तुमने जो लड़कियां देखी हैं उसका हिसाब है।
एक लड़की देखने पर मैंने एक लकीर खींची और तुमने कितनी लड़कियां देखी हैं? अच्छा, आपको मेरी जिंदगी खेल लगती है क्या? बच्चों की तरह इतनी लकीरें खींच के रखी हैं। इस दीवार को साफ करवाइए। विलेन की तरह जो नहीं करना वो पहले कर लेते हैं, बाद में औरतों की तरह मुंह लटकाते हैं। रामनाथ जी, ऑफिस जाते वक्त ऐसे बिल्ली की तरह रास्ता काट कर मत जाइए। ये अच्छी बात नहीं बेटा। अपने बाप को तुम विलेन कहते हो, मेरा नाम लेकर के तुम मुझे बुलाते हो और बिल्ली का लांछन लगाया, ये अच्छी बात नहीं है बेटा। और आपने जो किया वो सही है क्या? आप क्षत्रिय हैं ना, तो आपने एक ब्राह्मण की लड़की से क्यों शादी की? बताइए। वो तो प्यार पता नहीं माँ ने आपको पसंद कैसे किया। अरे बेटा, मैं बड़ा हैंडसम दिखता था, पूछो ना माँ से। पता, माँ से जबरदस्ती आपने शादी की होगी, इसी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही है। रिश्तेदारों के पास जाता हूँ तो वो लोग कहते हैं जाकर ब्राह्मण लड़की ढूंढो, और माँ के रिश्तेदारों के पास जाता हूँ तो कहते हैं तुम्हारे बाप क्षत्रिय हैं, वहाँ ढूंढो। आप लोगों की वजह से मैं कहीं का भी नहीं रहा। फिर शुरू हो गए दोनों बाप बेटे, ऑफिस के लिए देर हो रही है ना। सुनिए, अगर आज ऑफिस में मेरे साथ कुछ उल्टा सुलटा हुआ ना, तो मैं आपको रस्सी से बांधकर उल्टा लटका दूंगा, वो भी चमगादड़ की तरह। मुझे लटकाएगा? उसका दिमाग खराब हो गया, अपने बाप को लटकाएगा ये? क्या जमाना आ गया है। हाय गणेश, कैसा चल रहा है तुम्हारी शादी का प्रोग्राम? अब तक कोई नहीं मिली सर। कोई नहीं मिली? गणेश, हमारी जिससे शादी होने वाली होती है वो हमारे सामने हो सकती है, हमारी पड़ोसन हो सकती है, हम जिस दुकान से सामान खरीदते हैं वो भी उसी दुकान से सामान खरीदती हो, या फिर कभी थिएटर में एक ही शो में एक ही काउंटर से टिकट लेकर वापस जाते वक्त एक ही गेट पर टकरा भी सकती है। हमें पता भी नहीं चलता कि उस लड़की से हमारी शादी होने वाली है। एनीवे, कांग्रेचुलेशंस, दिस इज गणेश, तुम्हें प्रमोशन मिला है सर। हाँ, तुम मैनेजर बन गए हो। जो पोस्ट मुझे 15 सालों में मिली थी वो तुम्हें 5 सालों में मिल गई है। कहाँ जाना है सर? जंगल पट, उसके पास में बेड दंगल में। थैंक यू सर। कीप इट अप। थोड़ा ऊपर खुजलाना यार, क्या बात है? क्या पढ़ रहे हो? रुक्मणी की शादी। ये रुक्मणी की शादी अगर आप रोज 32 दिन पढ़ते रहेंगे ना, तो आपकी भी शादी जल्दी हो जाएगी। तुमने कभी ट्राई किया? पहले से दो शादी करके मैं पछता रहा हूँ, तीसरी शादी करके मरना है क्या? अरे भाई, कम से कम आज तो मैनेजर आएगा ना? और नहीं तो क्या, जरूर आएगा। अरे छोड़ो भाई, 3 महीनों से यही सुनते आ रहे हैं, हम भी तो आएंगे आएंगे सोचकर इंतजार करते जा रहे हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि वो आएंगे। अरे चुप गधे की तुम, वो आएंगे, मैं उनसे लोन लेकर के अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा, इसी भरोसे पर मैं बैठा हुआ हूँ, ज्यादा चपड़ चपड़ मत बोल, समझा? अरे लगता है मैनेजर साहब आ गए। आइए आइए आइए, हार पहनाओ। नमस्ते सर। पहनाओ। नमस्ते नमस्ते। आप भी पहनाओ। नमस्ते। अरे आप भी पहनाओ। तुझे किसी की नजर ना लगे मेरे बच्चे। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, आप लोग मुझे क्या समझ रहे हैं? आप ही इस गांव के नए मैनेजर हैं ना? नो नो नो,
ऐसे छोटे मोटे पद की आशा करने वाला मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ। आप जिससे मिलना चाहते हैं वो मनुष्य पीछे से आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, सुरक्षित पहुंचा। हाँ जी ठीक है, चलिए। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। आइए माला वापस निकालो, मेरे को पहनाओ। आप लोगों का प्यार ही मेरे लिए बहुत है। दोस्त है मेरा। तो मैनेजर नहीं है क्या? तो फिर इतने स्टाइल क्यों मारता है? सुखी रहे मेरे बेटे। धन्यवाद माता जी। बाजा बजाओ। देखा यार, क्या जबरदस्त स्वागत कर रहे हैं। ऐसे पेश आ रहे जैसे गांव में कोई फिल्म स्टार आ गया हो। कितने खुश हो रहे हैं। शट अप। ये स्वागत वगैरह देखकर आप बैग मत जाइएगा। इस गांव के लोग बड़े ही धोखेबाज हैं। आपसे पहले वाले मैनेजर का भी ऐसा ही स्वागत करके ऐसे ही बाजा बजाया। गांव के सभी लोगों ने जाकर बहला फुसलाकर सभी ने उनसे लोन लिया। किसी ने भी लोन चुकाया ही नहीं, उल्टा उसे ही नंगा कर दिया। ए, शट अप, तू इधर आ। अब मुझे बात करनी है। मेरे यार, बच कर रहना। मैं अब अरे यार, गांव में कदम रखते ही तूने सबको नचा दिया। चलो। ये आपकी है क्या? अरे यार, जब उन्हें नहीं चाहिए तो तू क्यों इतना झुक रहा है? इधर ला, शुक्रवार के दिन मिली हुई चीज वापस नहीं करते। चल चल ना। वो देख, फिर आ गई। अरे यार, पतंग तो हमने लौटा दी, फिर भी हमारे पीछे क्यों आ रही है? अरे शायद कुछ बोलना चाहती होगी, लेकिन बेचारी बोल नहीं सकती, क्या कर सकते हैं। तू चल। ए भाई, तू हमें बंगले में ले जाने वाला था ना, वहाँ कब जाएंगे? वो बंगला यही तो है। क्या रे, तीन चार खंबे और दो खटिया लगाने से तो इसे बंगला कहता है? और अगर एसी लगाकर मार्बल फ्लोरिंग कराएगा तो उसे क्या कहेगा तू? हेलो, इस गांव में नया मैनेजर आया है, इसीलिए इस बंगले को खुलवाया है, नहीं तो किसी भी हाल में हम इस बंगले को नहीं खोलते। बार बार बंगला बंगला कह के मुझे टेंशन दे रहा है। अरे यार,
घर तो बढ़िया है और ये खिड़कियाँ भी बहुत अच्छी हैं। साफ सफाई करवा दीजिए, अच्छा रहेगा। करवा देंगे। इस लोन के बारे में अगर कल बैंक में बात करूंगा। जी सर। चलता हूँ। कभी मत आना। तुझे इस घर में क्या पसंद आया है? मकड़ी की जालियाँ, इस हिरन का सर, या जो हमें इस भूत बंगले में लेकर आया वो ढांचा है? हेलो, मैं यही खड़ा हूँ। सॉरी, नाम पता नहीं था इसलिए मैंने ऐसा बोला। जल्दी से रूम की सफाई कर लो, थोड़ा आराम करके शाम को गांव में घूम कर आएंगे। ठीक है सर। मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। सर, ये जगह कैसी लगी? सुपर, बहुत खूब, फैंटास्टिक, वंडरफुल, एक्सीलेंट। क्या हुआ? सब तुम ही कहोगे तो मैं क्या कहूंगा? जरा घूम तो बताता हूँ। घूम गया। चुपचाप चल। आहा, अब इस जगह की मैं तारीफ करूंगा। आहा, सुपर, बहुत खूब, फैंटास्टिक, वंडरफुल, एक्सीलेंट। क्यों रे बेशरम? एक तो इस तरह लड़कियों को नहाते हुए देख रहा है, ऊपर से अंग्रेजी में पता नहीं क्या बोल रहा है, जाए यहाँ से। ये जगह कितनी बढ़िया है ना, और लोग भी अच्छे हैं। जगह छोड़ दे, लोग गालियाँ भी अच्छी देते हैं। निकल हाल कर, सुनने में कितना अच्छा लगता है। चलो। ए, उसे तो गालियां मिली हैं, तेरी तो धुलाई हो जाएगी। चल। सॉरी सर। ये घर इतना सुनसान क्यों लगता है? बहुत सालों से इस घर में कोई रहा नहीं ना, इसीलिए ऐसा लग रहा है। इतने सालों से यहाँ कोई नहीं रहा क्या? हाँ, कुछ ऐसे ही। हेलो, ऐसे ही मतलब क्या, बता ना। एक लड़की इस घर के अंदर फांसी लगाकर मर गई थी, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं रहता। बाप रे, इतनी रात को ये दिल पे छुरियां चला रहा है। अरे तू डरता क्यों है? मैं हूँ ना। तू रहेगा लेकिन सुबह तक मैं नहीं रहूंगा। शुभ दिन आने वाले, शुभ दिन आने वाले। इस घर में महालक्ष्मी प्रवेश करने वाली है, अच्छे दिन आने वाले। ए, चुपचाप खड़ा क्यों है? साथ में चलना। शुभ दिन आने वाले, शुभ दिन आने वाले, शुभ दिन आने वाले। इस घर में आत्मा का वास है, बुरी आत्मा का वास है। क्यों भाई, शुभ दिन आने वाला कहकर पहले अच्छी बात की, अब हमें देखकर आत्मा की बात क्यों कर रहा है? मैं नहीं कह रहा हूँ श्रीमान, जगदम्बा कह रही है, जगदम्बा कह रही है। जगदम्बा कह रही है तो सही हो। क्यों बे, यहाँ आत्मा है ये जगदम्बा ने तुझे बता दिया, लेकिन अब तू मार खाएगा ये नहीं बताया। मुंह में थूकता है साले, रुक अभी तेरा मुंह फोड़ता हूँ, रुक रुक रुक। जगदम्बा का नाम लेकर गांव में भोले भाले लोगों को डरा कर ठगता है, मुझे क्या समझ रखा है तूने? मैं एक शेर हूँ। अबे अबे अबे, लाइट क्यों बंद कर दिया भाई? सर, रेडियो पर गाना लगा रहा हूँ। सर, कोई दूसरा गाना लगाऊं क्या? कोई जरूरत नहीं है। अरे यार, इसे जरा बोलना चुप रहे। ठीक है, तू सो जा। अरे माधव, जो लड़की फांसी लगाकर मरी थी वो यही खंबा है ना? अरे यार, किस समय क्या बात करनी चाहिए तुझे मालूम नहीं है क्या? हाँ, बात करता है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ये चौथा गुड नाइट किसने बोला? मैंने ही दोबारा बोला। अरे यार, अबे लाइट क्यों बंद कर दी भाई? मैंने बंद नहीं की, चली गई है। लाइट चली गई? गणेश, 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 ये तेरा पैर है ना? वो बेड का पैर है। अरे अरे, जल्दी से कोई दिया हुआ जलाना। जलाता हूँ। गणेश कहाँ है तू? ये तेरा हाथ है ना? मेरी उंगलियाँ हैं। मजाक मत कर यार। अच्छा यार, ये जो ढांचा है ना, उसका पैर तूने ठीक से देखा क्या? अरे वो कहाँ पर है वही नजर नहीं आ रहा, तो उसके पैर कहाँ से नजर आएंगे? अरे तुम भी तो यार। ए, जल्दी लालटेन जलाना। अबे गाना मत लगा, बोला था ना लाइट नहीं है तो गाना कैसे लगाऊंगा? गणेश, तूने अभी गाना सुना ना? अरे वो कुछ नहीं है, तेरा भ्रम है। भ्रम है? अब मुझे भी सुनाई दे रहा। हेलो मिस, पतंग जी। हा? गाना बहुत बढ़िया था। आप गूंगी नहीं है क्या? ए, गाने के वक्त आवाज सुनी नहीं क्या? ओ, आपका गाना बहुत ही बढ़िया था। एक्सक्यूज मी, बहुत मजा आया। सब तुम ही लोग कहोगे क्या? मैं कुछ नहीं कहूँ। सुनिए, गाना बहुत खतरनाक था, दिल धड़ाम धड़ूम कर रहा था और हालत बिगड़ रही थी। भगवान के लिए रात के वक्त लाइट जाने पर ऐसा मत गाया कीजिए, और थोड़ी देर गाती तो जान निकल जाती मैडम। वो चली गई। क्यों बेटी, नींद नहीं आ रही क्या? बाबूजी, लाइट चली गई थी ना, इसलिए। अब तो लाइट आ गई है ना, दूध पीकर सो जाओ बेटी। ठीक है माँ।
ये लीजिए। तुमने पी लिया क्या? हाँ पी लिया। ये ढांचा आज नजर नहीं आ रहा है। एक्सक्यूज मी, माचिस मिलेगा क्या? मेरे पिताजी पीछे ही आ रहे हैं, उनसे ले लो। अरे बाप रे, 108। अबे ओए, पागल हो गया क्या? मंदिर के पीछे क्या उठक बैठक कर रहे तू? अरे मंदिर के आगे पीछे हर जगह भगवान होता है भाई। ए तू, उस दिन लड़की को ये तूने कहा था ना, हैं क्या पीपी कर रहा है? बड़े होकर सपेरा बनेगा क्या? क्या अरे इतनी छोटी उम्र में झूठ बोलने लगा? बोलेगा झूठ हैं? ए क्यों मेरे बच्चे को मार रहा है? इस नालायक बच्चे के बाप तुम ही हो क्या? ये बच्चा नहीं है, लुच्चा है। मुंह खोलते झूठ पर झूठ उगलता है। क्यों बेटा, तूने बोला क्या? क्यों भाई, मुझ पे भरोसा नहीं है? इस पे भरोसा कर रहा है तू? ए चुप बैठ, भगवान ने एक ही तो बेटा दिया, वो भी दिया है। क्यों बेटा तू बोला क्या? मतलब वो लड़की नहीं मैं हूँ, बड़ा कंफ्यूज गाँव है। ए दिन बोले मेरी खटिया खड़ी हो गई। अरे भाई वो देखो जीप आ रही है, मैनेजर साहब आ रहे होंगे। रुको 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 रुको। नमस्ते 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 नमस्ते। सर यही अपना बैंक है। अपना घर बैंक? कपड़े सुखाने के लिए रस्सी कम पड़ रही है ना दीदी? अपने घर को साफ सुथरा रखिए। ये साड़ी कैसे लगी? अच्छी है दीदी। अरे ये बैंक है या गाय भैंस का तबेला है? ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? छत पर। क्यों? धान सुखाने। धान सुखा रहे, लंगड़ी खेल रहे और पतंग उड़ा रहे। ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को ऐसे रखते हैं क्या? सर ये लगना चाहिए ना, ये गांव है। जल्दी से सबको यहाँ बुलाओ। ए भाई जल्दी यहाँ आ जाओ, मैनेजर लोन देने के लिए बुला रहे हैं। ऐसा बोलूंगा तभी आएंगे। बस नाम के लिए खाकी वर्दी पहनकर रखी क्या? ये रजिस्टर अचार डालने के लिए रखा है? ये बैंक तुम लोगों के लिए बना है और तुम लोगों ने इस बैंक की क्या हालत कर रखी है? पैसों को आप लोग लक्ष्मी कहते हैं और उन पैसों को संभालती है ये बैंक। बैंक को तो मंदिर की तरह रखना चाहिए, ये सब क्या है? और तुम लोग किसी भी चीज को देखने से वो चीज मन को भानी चाहिए, तभी अपने मन को खुशी मिलती है और हर काम अच्छा होता है। अपने बैंक को अच्छी तरह से मेंटेन रखेंगे और जब उच्च अधिकारी आकर देखेंगे तो उनके मन में आपके प्रति इज्जत बढ़ेगी और तभी इस गांव का भला होगा। आप सब लोगों को मिलकर इस जगह को स्वच्छ करना होगा। हो गया। हाँ सफाई करने को बोला। सुनो जल्दी से सफाई शुरू कर दो, और सुनो तुम लोग जितनी अच्छी सफाई करोगे उतना ही ज्यादा लोन मिलेगा। चलो जल्दी शुरू हो जाओ। किसी भी चीज को देखने से मन को अगर अच्छा लगता है तो अपने दिल को सुकून मिलता है। सब अच्छी तरह से साफ करना, नहीं तो लोन नहीं मिलेगा। नहीं खुल रहा है ना? हाँ।
खुल गया, चलो 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 चलो। लोन के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है? ठीक है ना दीदी? कैसा लगा ये? सुपर। रंगोली अच्छी है ना? ओके ओके, बहुत अच्छी। अब चलो। अरे वाह, अब बैंक कितना अच्छा लग रहा है ना? बैंक तो एकदम चकाचक हो गया है। अब मैनेजर साहब आ करके देखेंगे तो खुशी से हम लोगों को लोन दे देंगे। ये सब रहने दो, मैंने जैसा कहा है आप सब लोग कंट्रोल में रहकर वैसा ही करेंगे, तभी गांव का भला होगा। ओके सर। मैं इनसे कह रहा हूँ। ओके सर। मैं इनसे कह रहा हूँ, आप ओके कब कहेंगे? ओके सर। इतनी देर लगा दी। अरे यार, इस गाड़ी के बजाय एसी गाड़ी होती तो कितना बढ़िया होता ना। आपका स्वागत है। सुपर, बहुत खूब, वंडरफुल, एक्सीलेंट। घर की सफाई तुमने की है क्या? नहीं नहीं, मैं तो सारा दिन आप ही के साथ था। घर के मालिक ने तो साफ नहीं किया। इस घर की एक ही चाबी है, वो भी मेरे पास है। चलो खोलो। घर में घुसकर चोरी करते ये सुना था, लेकिन सफाई करते हुए पहली बार देखा। घर बहुत ही मस्त लग रहा है। ये मुझे पता है, दरवाजा बंद था फिर भी कौन आया? इस बात को सोचो, कुछ भी बोलते रहते हो। ब्रदर, क्या है? एक लड़की के बारे में बताया था ना। कौन सी लड़की? अरे वही लड़की जो फांसी लगाकर मर गई थी, उस लड़की के बारे में कुछ जानते हो क्या? उसके बारे में जानना है क्या? नहीं, मुझे नहीं जानना है, बोलो ना। अरे वो एक काम वाली बाई थी, घर के बाहर रंगोली बनाती थी और घर में साफ सफाई करके घर को चमका देती थी, बस। अरे यार, जरा 500 रुपए देना। किस लिए? अपने घर जा रहा हूँ। क्यों? और क्या, एक आत्मा का इस तरह लाइव प्रोग्राम मैं नहीं देख सकता भाई। मरने के बाद भी चुड़ैल घर में आके साफ सफाई करती है, रंगोली बनाती है। नहीं बाबा, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है, अमेरिका ने मान लिया, बस तू ही नहीं मान रहा। रंगोली किसने बनाई और सफाई किसने की मुझे पता चल गया है। किसने? वहाँ देखो। पतंग वाली? हाँ, पतंग वाली। हेलो मिस पतंग जी, आपने ही मेरे घर की साफ सफाई और रंगोली बनाई है ना? शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स। सब तू ही बोलेगा तो मैं क्या बोलूंगा, बहुत खुशी हुई। वो चली गई। चलो। अरे कभी चुप भी रहा करो तुम, तू सोया नहीं? मैं सोच रहा हूँ। क्या सोच रहा है? अरे यार, सामने वाली लड़की ने आकर अपने घर की सफाई की, तुमने कहा और मैं मान गया, लेकिन वो बंद घर में आकर सफाई कैसे कर सकती है यार? हाँ? कहीं वो लड़की और ये चुड़ैल बहने तो नहीं है? अच्छा अब चुपचाप सो जा, सुबह खर्राटे मारकर सोता नजर आया ना तो लात मारकर उठाऊंगा। कल मुझे बहुत सारे काम करने हैं, 6 बजे सुबह उठा देना, समझ गया? एक दोस्त के लिए मैं इतना भी नहीं कर सकता क्या? लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। क्या? कल तो मुझे 5:45 बजे उठा देना। ओके? अबे साले, अरे इतना गुस्सा क्यों हो रहा है?
ये अभी तक कराटे मार रहा है। अरे इतनी जल्दी 6:45 बज गए क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पसंद ना हो तो गुड नाइट ही बोल दीजिए। सुनिए, आपसे मैं कई बार मिल चुका हूँ और आपने अभी तक कुछ भी नहीं कहा। मुंह खोलोगी तो सिर्फ गाना ही गाओगी, ऐसा किसी से आपने वादा किया है क्या? क्या हंसी है? क्या है ये? गरम पानी। आपको ठंडे पानी से नहाने में तकलीफ होती होगी ना, इसलिए। एक मिनट, आप घर की सफाई करती हैं, बाहर रंगोली बनाती हैं और अब नहाने के लिए गरम पानी भी लेकर आई हैं। इन सब की वजह क्या है, मैं जान सकता हूँ क्या? मैं बताऊँ क्या? बताऊँ क्या? आपने भी लोन के लिए अप्लाई किया होगा। ये बात है और क्या, नहीं तो इस गाँव में हमारी मुफ्त सेवा कौन करेगा? बहुत गर्म है। हाय, टाटा। ए, अरे जान पहचान है इसीलिए। चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। हमने अभी तक खेतों में बीज नहीं बोया साहब। खेती की तैयारी तो आप लोगों ने करके रखी है, अब और क्या क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं मंगवा दूंगा। आप लोग तुरंत अपना काम शुरू कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। क्या हुआ? पैंट में कीचड़ लग गया भाई। अब पता चला हम सभी धोती क्यों पहनते हैं? पहले ही बता देता तो लंगोट पहन कर आता। ये लो, इसे ले जाकर दीदी के घर में संभाल कर रख देना। ठीक है अंकल। इसकी क्या जरूरत थी? रिश्वत है। ए, आप चाय देती हैं, खाना देती हैं, तेल देती हैं, इतना ख्याल रखती हैं, हमने तो कुछ ही चीजें। और हम अपनी जेब से भी नहीं दे रहे। किसानों ने जो कुछ हमें दिया वो हम आपको दे रहे हैं बस। ए, मैं ये चश्मा ले सकती हूँ क्या? ये मर्दों का चश्मा है, आप पर शोभा नहीं देगा। कैसा लग रहा है बताइए? नहीं वो सुपर। अब जब ये कह रहे हैं कि अच्छा लग रहा है तो मैं इसे रख लेती हूँ। सच में अच्छा लग रहा था इसलिए ऐसा कहा। ऐसे अफसोस कर रहा है जैसे खुद का चश्मा दे दिया। वो चश्मा तूने पिछले साल चुराया था। ये भी सच है, लगता है आजकल तुझे सच बातें पसंद नहीं आती हैं। सच बातें तो मुझे पसंद है, लेकिन जिस तरह तू सच कह रहा है ना वो तरीका मुझे पसंद नहीं। ये ले जाकर अपनी बहन को दे दे। अरे जा ना। जाता भाई। सर, ये सब बैंक में पैसा जमा करने आए हैं। आइए बैठिए। भगवान आपको लंबी उम्र दे। क्या लेंगे आप, चाय कॉफी? वो सब कुछ नहीं, कोक पेप्सी ऐसा कुछ पूछिए। अच्छा हुआ हमने कोक पेप्सी नहीं पूछी, नहीं तो साला ब्रांडी मांगता। वो अपने बैंक में पैसा जमा करने आया है, कुछ जो भी मांगे देना अपना फर्ज है। रमणीक लाल। जी सर। सर के लिए जरा कोल्ड ड्रिंक लेकर आना। मैं लाता हूं सर। रमणीक लाल मस्त ठंडा ठंडा लेके आना। सर कितना जमा करवाना है? सोच रहा हूँ 10 करा दूं। 10 मतलब? बहुत बड़ी रकम है, 10 लाख रुपए। बाहर किसी को बताना मत। यहाँ वहाँ क्या देख रहे हैं सर? मैं इस बैंक में पैसे तो जमा करा दूंगा,
लेकिन क्या ये जगह सुरक्षित है? ये साहब पूछ रहे हैं कि ये जगह सुरक्षित है क्या, सुरक्षित है क्या, सुरक्षित है क्या? बहुत सुरक्षित है सर। हम सारे पैसे संभाल कर लॉकर में ताला लगा कर रखते हैं सर। कोई ताला तोड़कर चोरी कर लेगा तो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा सर। अगर हुआ तो? नहीं होगा सर, विश्वास कीजिए सर। ये जो जीवन चक्र है वो विश्वास के बल पर ही तो कायम है सर। विश्वास ही तो जीवन है सर। आखिर में आपने जो कहा वो फिर से दोहराइए। विश्वास ही तो जीवन है सर। एक बार फिर से कहिए ना। ए तू बोलना। विश्वास ही जीवन है। मुझे विश्वास हो गया है। इस बैंक में मैं पैसे जमा कराने के लिए पूरी तरह राजी हूँ। ग्रेट सर, ठंडा लीजिए सर। लीजिए सर। अब मैं चलता हूँ, भगवान आपको खुश रखे। आप जा कहाँ रहे हैं? पैसे नहीं जमा करेंगे क्या? कल ही तो रिजल्ट है, मैं परसों यहाँ आ जाऊंगा। रिजल्ट? किसका रिजल्ट? सुपर बम्पर महालक्ष्मी 75 लाख की लॉटरी देखी है क्या? अब मैं चलता हूँ। ए रुक, इधर आ। क्यों बे, इतनी छोटी सी लॉटरी खरीद कर हमारे बैंक में लॉकर है क्या, वॉचमैन है क्या, सिक्योरिटी है क्या? मुझसे 10 सवाल पूछ रहा है तू? 10 रुपए की लॉटरी खरीद कर तू अपने आप को लखपति समझने लगा है? क्यों नहीं समझू सर, विश्वास ही तो जीवन है। बैंक में पैसे सुरक्षित रहेंगे इसका आपको विश्वास है, तो फिर मेरी लॉटरी लगेगी ये मुझे भी विश्वास है। यही तो जीवन चक्र है, वो विश्वास के बल पर ही कायम है सर। एक बार तो फिर से बोल। यही तो जीवन चक्र है। रुक रुक, सीधी तरह यहाँ से निकल। साला ठंडा भी पी गया। आपके लिए लेटर आया था, सुबह ही पोस्टमैन देकर गया, मैं आपको देना भूल गई। कोई बात नहीं, शुक्रिया। ये कहना भूल गया, इस पर कुछ फोटो करके लिखा है। नहीं वो फोटो लिखा है तो फोटो ही होगा ना, सब लड़कियों की फोटो है। इसमें जो भी लड़की पसंद आए उसका जवाब भेज, मैं तुरंत जाकर रिश्ते की बात करूंगी, ऐसा इसकी माने का। लेकिन ये कभी जवाब ही नहीं भेजता, क्यों? सही कह रहा हूँ ना? इस लिफाफे में ऐसा कुछ नहीं है जो। कौन कहता है, इसमें फोटो है, शादी के लिए लड़कियों की फोटो है। क्यों मार रहा है? इन्हें पता नहीं चले इसलिए? इन्हें भी पता चले दो। आप देखिए, अगर कोई लड़की पसंद हो तो बताइए आप। मैं चलती हूँ। अरे यार, पहले उस लड़की को पता ना चले इसलिए मारा, अब क्यों मार रहा है तू? जल्दी क्या थी, बाद में देख सकते थे ना। बाद में तो सिर्फ हम ही देखते ना। यहाँ देख, इसमें कोई लड़की पसंद है क्या तुझे? हैं? कोई भी पसंद नहीं है। पहले तू लड़कियों की फोटो देखकर इनकार करता था, अब बिना देखे इनकार करता है। मतलब तू किसी और लड़की को पसंद करता है? मैं बताऊँ क्या, तुझे कौन पसंद है? पतंग वाली, वो है पतंग वाली। ए? सोच क्या रहा है, जो लड़की तुझे पसंद है वो यही है। जल्दी से माँ को लेटर लिख दे, वो आके रिश्ते की बात कर लेगी। क्या फायदा, जाति कुल वगैरह देखकर ही माँ ने इन लड़कियों के फोटो भेजे हैं, इनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ऐसी बात है, मतलब तूने फैसला कर लिया। अब क्या है, उस लड़की का धर्म, जात, कुल, गोत्र, यही सब जाना है ना तुझे? इतना ही ना? कल उसके परिवार की पूरी कुंडली मेरे हाथ में होगी। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। ए पतंग वाली, मैं तेरी डोर बनना चाहता हूँ। बेटा आओ 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 आओ, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? भारती। है? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 5th में। वेरी गुड वेरी गुड, इतनी छोटी उम्र में 5वीं क्लास में पढ़ती हो। मैं एक सवाल पूछता हूँ, जवाब दोगी क्या? हाँ दूंगी। है? वहाँ वो दीदी दिखाई दे रही है? हाँ, क्या नंदिनी दीदी है, वो तो मेरी सहेली है। हाँ? हाँ? ये तो और अच्छी बात है, हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। वो दीदी किस जाति की है तुम्हें पता है? हाँ पता है। तो फिर बताओ ना। जाति, धर्म, ऊंच नीच, भेदभाव, ये सब मनुष्यता के शत्रु हैं, और जो कोई इन्हें अपनी शरण में लेता है वो ईश्वर की दृष्टि में मनुष्य नहीं। हो गया ना? हाँ। लो, तुम पास हो गए, जाओ। आई बड़ी मुझे सिखाने वाली। अरे भाई, लगता है बहुत बिजी हैं। क्यों बेकार में मेरा सर खाने आ गए हो?
काम नहीं है फिर भी बेकार ना रहूं इसलिए मैं अपने ही कपड़े को इस्त्री कर रहा हूं। अपने से ज्यादा गिरे हुए आदमी को आज पहली बार देख रहा हूं। क्या कहा? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। वो हम जिस घर में रहते हैं ना, हाँ, उसके सामने जो घर है ना, हाँ, हमारे राव जी का ना। हमारे राव जी, हमारे राव जी किस जाति के हैं? पता नहीं। क्या बड़े भाई, अपने गांव के आदमी के बारे में आप नहीं जानते? हाँ बताइए बताइए किस जाति के हैं? मैं सिर्फ दो जातियों के बारे में जानता हूँ, एक धोने वाली जाति और दूसरी पहनकर गंदा करने वाली जाति, बस। और किसी जाति के बारे में नहीं जानते? नहीं जानता। तो जिंदगी भर इसी तरह अपने ही कपड़ों पर इस्त्री करता रहेगा, देख लेना। क्यों रे, पान खाएगा क्या? बाद में खा लूंगा यार। ले चुपचाप खा ले। मैं जब भी मना करता हूँ तुम मुझे जबरदस्ती खिला देते हो। इनसे पूछकर देखते हैं। कल तुम्हारे घर का खाना बहुत ही बढ़िया था। आज भी खाना है क्या तुझे? नमस्ते भाई। नमस्ते। क्या बात है? कुछ नहीं, आपसे एक बात पूछनी है। बोलिए। वो अपने राव जी है ना? राव जी, हाँ हाँ। वो किस जाति के हैं? किस लिए, क्यों? नहीं, वो गांव में लोग उनका नाम बड़ी इज्जत से लेते हैं ना, इसीलिए जाति पूछ रहा था। सुना, इस गांव में जितने भी इज्जतदार लोग हैं ना, सब मेरी जाति के हैं। इसकी जाति के लोग इज्जतदार नहीं है। देख यार, किसी दूसरे गांव के आदमी के सामने मेरी जाति के बारे में कुछ भी मत बोल। अरे भाई, मेरी जाति में भी बहुत बड़े लोग हैं। पता है, इस गांव के एमएलए भी मेरी जाति के हैं। बहुत बड़ा एमएलए है। अगर मेरी जाति के लोग वोट ना डालते तो वो एमएलए ही ना बनता। अरे 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 अरे, तेरी जाति के लोगों को तो ठीक से वोट डालना भी नहीं आता। आधे से ज्यादा वोट तो बेकार हो जाते हैं। ठीक से मुहर भी लगाना नहीं आता। ऐसे अनपढ़ लोगों से भरी हुई है इसकी जाति। साले, तू किसको अनपढ़ कह रहा है? इसके सामने तू मेरी जाति को अनपढ़ कह रहा है, शर्म नहीं आती? साले, तो फिर क्यों दूसरे गांव वाले के सामने मेरी जाति को बुरा कह रहा है? अरे तूने मुझको मारा, आज मैं तुझको ऊपर उठा दूंगा। नहीं छोड़ूंगा। ए, आज भी तूने तुझे जाति वाले के बारे में बता दिया। आप बताइए क्या हो रहा है? बात सुनो। ए चलो, मान जाते हैं तेरा कहता है, मार डालेंगे, बोलेंगे नहीं आज। नहीं छोड़ूंगा मार डालेंगे। ए जल्दी करो, मार डालेंगे, नहीं छोड़ेंगे। औरतों को नहाते हुए देख रहा था, तभी इसकी आंखें फोड़ देनी चाहिए थी। जरा शक्ल तो देखो इसकी। हम लोग पहले आपस में कैसे मिलकर रहते थे, इस आदमी ने हमारे बीच जाति के फूट डालकर हमारे बीच दरार पैदा कर दी। हमारे मैनेजर कितने इज्जतदार आदमी है, इन्हें इस पंचायत में लाकर इनका नाम मिट्टी में मिला दिया। इसे देखकर मुझे इसके टुकड़े टुकड़े करने का मन कर रहा। इस कमीने को सुलाकर इसी पे इस्त्री करनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, मुझे चक्कर आ रहा है, एक सोडा मिलेगा क्या? नो थैंक्स। वो क्या है, जाने अनजाने गलती हो गई, एक बार इसे माफ कर दीजिए। इसने उन दोनों से जाति पूछी और वो दोनों आपस में लड़ने लगे, अब इसे माफ कर दो। मैनेजर अच्छे इंसान है, उन्होंने हमारे गाँव के लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया है, इस बार इनके लिए हम इतना कर देते हैं। उतारो इसे। अरे संभल कर, संभल कर। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। आप बुरा मत मानिएगा सर, नमस्ते। बहुत दर्द हो रहा है क्या? नहीं यार, लेकिन एक बात बहुत परेशान कर रही है। इस पूरे फसाद के पीछे तुम्हारा हाथ है, अगर उन्हें ये पता चलेगा तो तुम्हारा क्या होगा मैनेजर? अरे भाई देखिए, फिर से जात की बात कर रहा है। अरे, अरे माफ कर दे मेरे भाई, माफ संभाल कर रहना, नहीं तो फिर उल्टा लटका देंगे। हमारा घर कहाँ है यार? ये धरती गोल घूमती ऐसा साइंस टीचर कहती थी तो मैं यकीन नहीं करता था, लेकिन आज जब गाँव वालों ने उल्टा लटका दिया तब मुझे यकीन हो गया। आज अपने घर में इतने दिए क्यों जल रहे हैं? लाइट चली गई होगी। अबे ढक्कन, उधर लाइट जल रही है। तो फिर दिए क्यों जलाए हैं? तुझे उल्टा लटकाया था ना, इस खुशी में त्योहार मना रहे हैं। ओह, आज दीपावली है क्या? इतने आश्चर्य से क्यों देख रहे हैं? आपने कभी दियों को देखा नहीं है क्या? दियों को तो देखा है, पर बिना चाबी के ताला खोलकर आप ये सब जो कर रही हैं, वो कैसे कर रही हैं, यही सोच रहा हूं मैं।
आपके पास कोई मास्टर की है लग रहा है, प्लीज वो मुझे दे दीजिए ना। प्लीज दे दीजिए ना, ये इतना रोकर आपसे मांग रहा है। मैं कहाँ रो रहा हूँ बे। ऐसी मास्टर की तो दीदी के पास बहुत सारी है। ए, चलो चलते हैं। ओके दीदी। ए, चल। हाँ दीदी। अब खीर खाएंगे क्या? ओ, ये जो चावल चीनी दूध में मिर्च मसाला नमक वगैरह डालकर तेल में फ्राई करते हैं वही खीर है ना? वो पॉइजन है। आप जिस खीर की बात कर रही हैं ले आइए। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। छे, ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? कैसा आइडिया? अरे इस लड़की से ही डायरेक्ट पूछ लेना चाहिए था। क्या जाति के बारे में? अरे बाप रे, दोबारा जाति का नाम लेकर मुझे मरना है क्या? ये कोई दूसरा आइडिया है। देख, वो लड़की अभी खीर लेकर आएगी, तब उस लड़की से मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोल। क्या? ऐसा वो लड़की तुझसे पूछेगी, तुम्हारा फोटो मुझे मिलेगा क्या उससे पूछ। इसलिए? ये भी वही पूछेगी, बस देखना है, ऐसा तू कहना। तो यार, एक लड़की एक लड़के से कितना भी घुल मिलकर रहे लेकिन वो अपना फोटो उसे कभी नहीं देती। अगर वो लड़की उस लड़के को अपना फोटो देती है तो इसका मतलब वो उससे प्यार करती है। फिर जात पात जाने का क्या मतलब? सीधा शादी, पीपीपी, ढूंढ ढूंढ करके खत्म कर देना है। देख वो आ रही है, फोटो जरूर मांगना। अरे मांगना मांगना, खीर चाहिए क्या? फोटो मांग फोटो। अबू राना माने तो आपसे एक बात पूछूं। क्या? मुझे आपका एक फोटो मिल सकता है क्या? किस लिए? बस यूं ही देखना था। आपके पास फोटो है क्या? नहीं, आपको चाहिए तो खिंचवा कर दे दूंगा। हाँ, खिंचवा कर देगा। ठीक है। चलती हूँ। हाँ Yeah! देखा, मैंने कहा था ना, आजकल की लड़कियां बहुत फास्ट होती हैं। हमारे पूछने से पहले उसने पूछ लिया, कल बैंक की छुट्टी। किस लिए? तुम्हें फोटो नहीं खिंचवानी है क्या? फोटो कल खिंचवाना, अब तू हाथ छोड़, बहुत दर्द कर रहा है। ये ठीक है ना? खचक, वन मोर। एक्शन। ये ठीक है ना? खचक, वन मोर। अच्छी फोटो निकाल रहा है ना? एकदम फर्स्ट क्लास। एक्शन। इससे बड़ा एड़ा मैंने कभी देखा नहीं। खचक। लाओ कैमरा दो, रीलोड करनी है। क्या? रील ही नहीं लोड की है? क्यों भाई, इसके पहले जो डाला वो क्या था? अरे बैटरी थी। बैटरी और रील के बीच में फर्क नहीं मालूम, और एक्शन बोलने चला है। इसके बाद नो एक्शन। हेलो मिस रंगोली। कल दिए जलाए और आज रंगोली बना रही हैं। ये क्या, आपके हाथों में रंग गिर गया क्या? नहीं, मैंने खुद ही लगाया है। ये हाथ में कौन सी बुक है? रंगोली कैसे बनाते हैं उसे देखकर बना रही है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये लीजिए मेरे फोटो का एल्बम। नोटबुक हाथ में लेकर आप इसे ठीक से नहीं देख पाएंगी। सभी फोटो बहुत ही अच्छे हैं। आखिरी वाला फोटो और भी अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। थैंक्स। बहुत बहुत शुक्रिया। ये फोटो किसका है? आइडिया किसका है? ठीक है छोड़। इसमें से एक फोटो मैं ले सकती हूँ क्या? ऐसा नहीं हो सकता। टोटल निगेटिव के साथ सारी फोटो आप रख लीजिए। थैंक्स। चलो चलते हैं, मैं चलती हूँ। देखा यार, वो लड़की कैसे मुस्कुरा कर चली गई है? फोटो मिलने पर इतनी खुश हो गई, तो उसे शादी हो गई तो कितनी खुश हो जाएगी सोच। देखा यार, मैंने कहा था ना, वो लड़की तुझसे बहुत प्यार करती है, तू मान नहीं रहा था। अब देख उसने किस तरह इस पूरे बुक में आई लव यू लिख करके अपने दिल की बात कह दी है। मेरे लिए भी भगवान ने एक परी बने होगी, यही कह रहा था ना, वो परी यही लड़की है, और सच में परी जैसी ही है ना? हाँ?
हमारा गाना चुरा कर हम ही को सुना रही हो? चलो चलते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा हे प्रभु, आज हैंगओवर ना हो जाए इस बात का ख्याल रखना। Cheers. यार अगले साल तेरे प्यार के जन्मदिन पर तेरी फैमिली के साथ पार्टी मनाएंगे। लेकिन उस पार्टी में तू नहीं होगा। सर सर कौन है? सर आप यहाँ बैठे हैं, मैं आप लोगों को नीचे ढूंढ रहा था। लगता है आज आप थोड़ा बिजी हैं, मैं बाद में आता हूँ। अरे रुकिए तो, आप आए हमारे लिए खुशी की बात है, आइए बैठिए ना। नहीं दरअसल मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने तो क्या हुआ, हम ढेर सारी बातें करेंगे, आइए बैठिए तो। नहीं रहने दीजिए। अरे आइए तो बैठिए। अंकल आप ये तो लेते ही होंगे ना? क्या ये? आज तक कभी नहीं लिया? जवानी में पीता था, अब सब छोड़ दिया। अंकल आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सोच कर जवाब देना आप। बचपन में पहली क्लास से लेकर दसवीं क्लास तक आप जिस दोस्त के साथ पले बढ़े, लंगोटिया यार, जो रोज मिलता था, अचानक दोनों बिछड़ जाते हैं, कई साल बाद अचानक दोनों कहीं मिल जाते हैं, आप उसे देखकर भी अनदेखा करके चले जाएंगे क्या? उसे अनदेखा करके कैसे जा सकता हूँ? नहीं जा सकते ना, ये भी तो एक दोस्ती है। आप दोनों जवानी में साथ रहे, आज अचानक ही आपके सामने आ गया, आप इसे हेलो भी नहीं कहेंगे क्या? नहीं लीजिए ना अंकल, लीजिए ना अंकल। पी लीजिए ना, पी लीजिए ना बाबा। बेटी तेरे बाबा कहाँ हैं? बाहर बैठे होंगे माँ। ठीक है, ये सब रख कर खाना खाने आओ, कब तक काम करती रहोगी तुम? आप बहुत चालू हैं अंकल, नहीं चाहिए बोलकर आधी बोतल भर गए। अंकल एक बात बताइए, आप किस जाति के हैं? क्यों भाई तू झटके देने वाला सवाल क्यों पूछ रहा है? ए चुप रह। अंकल आप किस जाति के हैं? मर्यादा में महात्मा गांधी की जाति के, वीरता में छत्रपति शिवाजी की जाति के, सच बोलने में हरिश्चंद्र की जाति के, दान करने में करण की जाति के। इस गांव में कोई अपनी जाति के बारे में सीधी तरह क्यों नहीं बताता? Shut up, अंकल, आप ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय? जल्दी से बोलिए नहीं तो जाति बदलने के लिए बोलेगा। मैं क्षत्रिय हूँ। अंकल मैं भी क्षत्रिय हूँ अंकल। लेकिन इसमें छोटी सी समस्या बेटा। क्या आप छोटे क्षत्रिय? ऐसी बात नहीं है, पत्नी में छोटी सी समस्या, वो क्या मेरी पत्नी ब्राह्मण है। 30 साल पहले आपने ऐसा करके बड़ा ही महान काम किया अंकल। ऐसा ही महान काम हमारे शहर के भी एक आदमी ने किया था सर। वो कौन है? तुम्हारा बाप रामनाथ। इस वक्त उस आदमी का नाम लेना जरूरी था क्या? अंकल आप ये ज्योतिष कुंडली वगैरह में विश्वास रखते हैं क्या? क्या? अरे वही जो तंत्र मंत्र करते हैं, 9 लकीरें खींच कर घर घर में घूमते रहते हैं, उन सबको अपने दिमाग से निकाल दो, मुझे उन लोगों पर जरा भी भरोसा नहीं। अंकल आप इतने बड़े यथार्थवादी हैं, आप इस युग के इंसान ही नहीं हैं। अंकल आप एक लीजेंड हैं, डॉक्टर अंबेडकर हैं, अब्राहम लिंकन हैं। आप मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए नहीं तो उतर जाएगी। ए, उतरने से पहले अंकल को और पिला। मतलब आप दोनों किसी रिश्ते की तरह एक दूसरे से घुल मिल गए हैं। हाँ। अंकल ये लीजिए एक और पैक। अंकल चीयर्स। अंकल चीयर्स। ये लोग वापस पहले से शुरू कर रहे हैं क्या? तेरे बाबा बाहर नहीं है बेटी, तो फिर और कहाँ जा सकते हैं? खातून की खिदमत में सलाम अपन का, खातून की खिदमत में सलाम अपन का। कल वापस आकर बात जरूर करना, नशा उतरते ही कहीं आप सब भूल तो नहीं जाएंगे ना? अरे बाबा नहीं भूलूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ, टाटा, सी यू, बाय बाय। हाँ बाय बाय। देखा मेरे दोस्त, फूलों के अंदर छिपे हुए मिठास की तरह तेरा प्यार भी एक चमत्कार है। आज ही तेरे प्यार का जन्मदिन मनाया और आज ही बात शादी तक पहुँच गयी, मजा आ गया यार। Congratulations! अब तुझे बहुत चढ़ गई है, कल सुबह बात करेंगे। Sorry. बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, चलती हूँ। शिव प्रसाद आप ही हैं ना? जी नमस्ते सर। टाइम पर किश्त भरते रहना। ठीक है साहब। नमस्ते। नमस्ते जी। क्या सर अचानक लोन सैंक्शन करके सभी को दे भी दिया? मुझे ये गांव पसंद आया, इस गांव के लोग सबसे ज्यादा पसंद आए। और इतना ही नहीं, इस गांव का एक इंसान भी बहुत पसंद है और यहीं रहने का फैसला भी कर चुके हैं। जाकर चाय लेकर आ जा। ओ पतंग वाली तेरी डोर से और उस पतंग को जल्दी से काट। हे
नाश्ता है क्या? ये शिकाकाई और ये तेल है आपके लिए। ये लीजिए बैंगन का सालन आपके लिए। थैंक्स। क्या हुआ? पानी पीजिए ना। लगता है किसी ने गाली और दी। कोई नहीं, मैं हूँ। और नहीं तो क्या, तू सारा साला नकेदे खाएगा, मुझे नहीं देगा क्या? मुंह दिखाए कभी, बंदर की तरह लगता है। लगता है किसी ने गाली दी है। मैंने नहीं दी, कहीं आपने कुछ कहा क्या? जरूर कहा होगा, मेरे लिए प्यार से लाया हुआ सालन तू कैसे खा सकता है? बहुत अच्छा है। क्या है वो? आपके लिए सर पर मलने की जड़ी बूटी है। जड़ी बूटी? ये कमल का फूल है आपके लिए। हाँ? मेरी तरफ से। मर गया। ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। माँ, मैं रमेश बोल रहा हूँ। तुम्हारा बच्चा यहाँ बिगड़ता जा रहा है, कभी साड़ी लेता है, कभी पायल लेता है, कभी ऊपर से नीचे गिरता है। बाकी सब ठीक है। हाँ, यहाँ आते समय बिना भूले किसी भी तरह रामनाथ जी को वहीं छोड़ करके आना। ठीक है बेटा। हाँ, आओगी ना? ठीक है, जल्दी आना। कितना हुआ भाई? 100 रुपए दो। स्टडी किया था क्या? तुम ही तो डायरेक्ट आकर फोन उठाकर बात करने लगे। तेरी आवाज तो मद्रास तक ऐसे जाती थी। चलो 100 रुपए दो। देखा जाए तो तुझे 1 रुपए नहीं देना चाहिए। तेरे हिसाब से मैंने डायरेक्ट बात की है। कदा कहीं का मैंने जो माँ से बात की तूने सुना? तेरी आवाज मद्रास तक पहुंची तो मुझे नहीं सुनाई पड़ी होगी। चल जा स्टडी फूल। आइए 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 आइए। गणेश कहाँ है बेटा? ये है ना। अरे गणेश बेटा। पिताजी डोंट टच। माँ तुम तो ठीक हो ना? आधे वक्त कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं। संभाल कर। हाँ हाँ। कहाँ चलना है बेटा? आप चुप होकर बैठ जाइए। बैठिए। आइए। ये क्या है? पतंग है। पतंग वाली। नेक्स्ट। पतंग वाली। आओ। ये क्या है? साड़ी है। उसके लिए है। उसके लिए है। पायल, सिंदूर की डिब्बी, कंगन। और देर की ना तो शादी करके बच्चे होने के बाद सिर्फ नामकरण के दिन बुलाएगा बेटा। ए, दे माँ को। रामनाथ जी कंट्रोल। पहले कंट्रोल। हमें लड़की को देखना है। ठीक है। माँ एक मिनट, दाया पैर पहले रखकर अंदर आना। आइए आइए। माँ माँ वो लोग आ गए हैं। माँ अंदर आइए ना। बाबा देखिए ये लोग आ गए। आइए आइए। नमस्ते। आप लोग आने वाले, नंदिनी ने बताया था, मैं खुद ही आपके यहाँ आने वाला था, इतने में आप लोग आ गए। कोई बात नहीं, नियम के अनुसार हमें आना चाहिए था तो हम आ गए। ठीक है। मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। नंदिनी के हाथ की चाय बहुत बढ़िया बनाती है, कहीं नहीं मिलेगी। हाँ? बहुत अच्छा। आइए बैठिए ना। हाँ। चाय बनानी है, मैं बनाकर लाती हूँ, तुम जाकर बातें करो। जाओ बेटी। आओ बेटी यहाँ आकर बैठो। शर्माओ मत बेटी, मेरे पास आओ। जैसे नंदिनी आपकी इकलौती बेटी है, उसी तरह गणेश भी हमारा इकलौता बेटा है। और फिर गणेश के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। गणेश ने मुझे लेटर लिखा, कहा कि नंदिनी पहली ही नजर में उसे बहुत पसंद आ गई, और इसी तरह नंदिनी को भी हमारा गणेश पसंद है, ये मुझे पता चला।
भगवान ने मेरे बेटे को इस गांव में ट्रांसफर किया। मेरे घर की बहू कहां से आएगी ये सोचकर हम सब परेशान थे। ये इसी गांव से आएगी, ऊपर वाले ने पहले से ही लिख कर रखा है। हमारे बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं ये पता चलने के बाद हमें इन्हें आपस में मिला देना चाहिए, ठीक है ना? नंदिनी अंदर क्यों जा रही है? चाय लाने जा रही होगी माँ। रुको माँ, वो लोग यहाँ मेरे और उनके बेटे की शादी की बात करने आए हैं, उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहो। ये तो अच्छी ही बात है, तुम्हारी शादी हो जाए बेटी, ये हमारी भी तो इच्छा है। तुम उन्हें जाने को कहोगी या मैं खुद कहूँ? मुझे माफ कर दीजिए, अगर आप यहाँ शादी की बात करने आए हैं तो आप यहाँ से जाइए, मुझे ये शादी पसंद नहीं है। ये क्या बेटा, तुमने तो कहा था वो तुमसे प्यार करती है। मैं अभी आया माँ। मेरी शादी की बात करने के लिए माँ कितनी खुशी से आई है पता है? तुम्हें यह शादी पसंद नहीं है ऐसा क्यों कहा? पसंद होगी तभी तो पसंद है कहूंगी ना। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं था तो मेरे लिए चाय लेकर नाश्ता लेकर क्यों रोज आती थी? तुम्हारा रंगोली बनाना मुझे बेहद पसंद था, पर इन सब का क्या मतलब हुआ? एक लड़की अगर चाय लाकर दे, नाश्ता लाकर दे तो उसे प्यार समझना एक पागलपन है। मुझे तो लगा तुम मुझसे प्यार करती हो, पर अचानक तुमने सबके सामने मना कर दिया। बोलो फिर तुमने मेरा फोटो क्यों लिया? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी तो उस नोटबुक में आई लव यू क्यों लिखा? वो तो मुझे जवाब दो, हमेशा नहाने से पहले तुम मेरे लिए तेल लाकर देती थी, वो सब प्यार नहीं था क्या? तेल लगाकर नहाना आंखों के लिए अच्छा होता है, इसलिए लाती थी। हफ्ते में दो बार हरी सब्जी खानी चाहिए बोल करके बना बना कर खिलाती रही, ये भी प्यार नहीं था क्या? हरी सब्जियां खाना आंखों के लिए अच्छा होता है, इसलिए मैं खिलाती थी। तुम शैम्पू लगाने के लिए मना करती थी, नारियल तेल लगाने के लिए सुबह लाकर देती थी, वो किस लिए? शैम्पू आंखों में लगाने से आंखें जलती हैं, इसलिए नारियल तेल लाकर देती थी। मेरी आंखें जले या कुछ भी हो जाए तुम्हें इससे क्या लेने देना, तुम्हें इतनी चिंता क्यों थी? ऐसा मत कहिए, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, ऐसा कहने का अधिकार आपको नहीं है क्योंकि ये आंखें आपकी नहीं है। पैदा होने के बाद भगवान ने आपको जो आंखें दी है वो आपकी आंखें नहीं है, वो आंखें जो है मेरे किसी अपने की है। अब जिन आंखों से ये दुनिया देख रहे हैं ना, वो आंखें आपकी नहीं है। इस दुनिया में मेरा कुछ अपना है तो वो सिर्फ यही आंखें हैं। मेरा और आपका कोई भी रिश्ता नहीं है, लेकिन इन आंखों का और मेरा जन्म जन्म का रिश्ता है।
माँ बाबूजी को वापस भिजवा दिया है। अगर तुम्हारा मन ठीक ना हो तो एक हफ्ते घर रहकर आ जाओ, कह रहे थे। ये लीजिए आपकी दोस्त की फोटो। मैं सच कह रही हूँ, आपको देखने के लिए मैंने आपसे फोटो नहीं मांगी थी। इतने दिनों से मैं जिन्हें इन फोटो में देख रही थी वो आप नहीं थे। दुनिया की हर एक लड़की ऐसा सोचती है कि कहीं ना कहीं उसके लिए जीवन साथी बना है। उसी सोच की वजह से वो हमेशा अपना सर झुकाकर ही चलती है। वो किसी को भी नजर उठाकर नहीं देखती, हंसते समय भी मन ही मन में हंसती है ताकि उस पर किसी की नजर ना पड़े। मैं भी वैसी ही थी, वैसी ही पेश आती थी उन्हें देखने से पहले। कुछ लोगों को देखने से लगता है जैसे पहले भी उन्हें कहीं देखा था, लेकिन जब उन्हें पहली बार देखा तो लगा जैसे मेरा और उनका जन्म जन्म का नाता है। स्कूल से छूटने के बाद मैं हमेशा टेलरिंग क्लास के लिए जाती थी। टेलरिंग क्लास हमारे गांव से 10 मील दूर था। उनके गांव से हमारा गांव जितना दूर है उतना ही। रोज मैं बस से जाती थी और बस से आती थी। जब पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई तब मैं बस का इंतजार कर रही थी। ए, मैं एक सवाल पूछूं, उसका जवाब देगी क्या? कौन से फूल को लोग पसंद नहीं करते? लड़ी फूल। ओह, मैं तो सोच में ही पड़ गई थी। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे नसीब में कोई ब्लडी फूल ना आए। भगवान ने किसी न किसी को तो हमारे लिए बनाया ही होगा ना। ए, बस आ गई, चलो चलो। हाँ, चलो। सिगरेट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए। चाय निकाल निकाल। कौन से गांव का है तू? चित्तूर बॉर्डर, आंध्र बॉर्डर। बॉर्डर में भी प्रॉब्लम है, इसे पुलिस के हवाले कर दो। इडियट। ये चैन किसकी है? आपकी?
ये लीजिए। थैंक्स। न एन दी नी नंदिनी। वो कौन है? तेरी पहचान वाला है क्या? तो फिर तेरा नाम कैसे जानता है? दो बेटी। अरे बेटी, हम लोग तुम्हें ही देखने आए हैं, ठीक से अपना चेहरा तो दिखाओ। भाई साहब, ये कहाँ तक पढ़ी लिखी है? 12वीं तक पढ़ी है। क्यों जी, काफी पढ़ी लिखी भी है। बेटी, अमेरिका की खोज किसने की थी? वास्को द गामा। वाकई बहुत पढ़ी लिखी लड़की है। हाँ जी। भाई साहब, अमेरिका की खोज कोलंबस ने की है। लड़की ने गलत बताया है, अमेरिका किसी ने भी खोजा है, मुझे क्या? मुझे एक बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की मिल रही है, यही मेरे लिए बहुत है। थोड़ी देर तुम अपना मुंह बंद रखो। लड़की तो हमें फोटो देखकर ही पसंद आ गई थी, रीति रिवाज निभाने के लिए हम लोग देखने चले आए। दो दिन बाद लड़का आएगा, उससे पहले फोटो में देख लीजिए। क्यों लक्ष्मी? हाँ जी। धन्यवाद। नमस्ते। 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 बेटी, अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, तुमने गलत बताया। मेरा बेटा पूछेगा तब तुम यही बताना। अच्छा, चलते हैं। हाँ चल। नमस्ते। ये लो, लड़के की फोटो है, देख पसंद है या नहीं। देखने से पहले भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हें पसंद आ जाए। पसंद आ जाए, पसंद आ जाए, पसंद आ जाए, ये मुझे पसंद आ जाए भगवान, लड़का मेरी पसंद का ही हो, पसंद आ जाए, पसंद आ जाए, पसंद आ जाए। बाबा से कहकर मैं आपको एक बकरे की बलि चढ़ाऊंगी। हे प्रभु परमेश्वर, मैं आपको खीर का भोग दूंगी। लड़का मेरी पसंद का हो, ऐसा कुछ करो। मुझे पसंद आ जाए, मुझे पसंद आ जाए, लड़का मुझे पसंद आ जाए, ऐसा कुछ करो। लड़का मुझे पसंद आ जाए, पसंद आ जाए, पसंद आ जाए, पसंद आ जाए, पसंद आ जाए। पसंद हो क्या? लेकिन तुम मुझे पसंद नहीं हो। पसंद नहीं आई। छोटे बाल, एक चोटी, दो चोटी बांधती तो बहुत अच्छी लगती। कान भी बहुत छोटे हैं, उसमें एक छोटी सी बाली, पसंद नहीं आया। वो जो बड़े से झूलते हैं ना, झुमके,
वो पहनती तो और भी अच्छी लगती। उसके अलावा गोल मटोल नाक खाली ठीक नहीं लग रही है। छोटे से सफेद पत्थर या लाल पत्थर की नथनी पहनती तो बहुत ही सुंदर लगती। जो पसंद नहीं आया वो बताया, ठीक है? अब जो पसंद है वो बताता हूँ। होठों के नीचे जो तिल है वो बहुत पसंद है। ए रुको, तुमसे कुछ पूछना है। कभी किसी से प्यार किया? मैंने भी नहीं किया, और मैं प्यार करके ही शादी करना चाहता था, लेकिन घर वालों ने अचानक मेरी शादी फिक्स कर दी। एक आइडिया है, हम दोनों शादी करने से पहले अगर प्यार करें तो कैसा रहेगा? याद किया ना? ए, यहाँ क्या देख रहे हो? ठीक से काम करो। अंकल, ग्लैड टू मीट यू, माय नेम इज मनी। मनी सुब्रमण्यम, आपने मुझे नहीं पहचाना? आपका दामाद, घर वाले लड़की देखने आए थे ना। ओ दामाद जी, नमस्ते। मैंने तो आपकी फोटो ठीक से देखी भी नहीं। आप दो दिन के बाद आने वाले थे और अचानक आ गए, इसलिए मैं पहचान नहीं पाया। दामाद जी हैं, नंदिनी को देखने आए हैं। हेलो, ग्लैड टू मीट यू, मनी सुब्रमण्यम। तू अपना काम कर। आइए आप दामाद जी, अंदर आइए आइए। ए कौन आया देखो, दामाद जी। नमस्ते अंकल, मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। दामाद जी, ये मेरी धर्मपत्नी है। आप सच कह रहे हैं? हाँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, आपकी उम्र का पता नहीं चलता। मैं कॉफी लेकर आती हूँ। अंकल देखा मैंने आंटी को कैसे पटाया, आपको भी ऐसे ही पटाऊंगा। बैठ कर बातें करते हैं। हाँ बैठो बैठो। अंकल आपको देखकर तेंदुलकर की याद आती है, अपना सचिन तेंदुलकर। आपका ये जो मत्था है क्रिकेट ग्राउंड की तरह एकदम चिकना है, अगर तेंदुलकर इस पे खेलेगा तो हर बॉल पे सिक्सर लगेगा। अमेरिका के साइंटिस्टों का ये कहना है, जो जवानी में लव फेलियर्स होते हैं उनके सामने के बल झड़ जाते हैं। आपका ये मत्था देखने से 7-8 तो लव फेलियर्स हो ही होंगे। चीनी ही नहीं है, है ना? पर इसमें नहीं है। मैंने तो शक्कर डाली थी। मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? ये लीजिए, आप ही पीकर देखिए। पीकर देखिए ना, लीजिए ना। है तो है, लाइए। हाँ, है। अंकल मैं बातें अच्छी करता हूँ ना? हाँ। सही तरीके से चलता भी हूँ ना? वो क्या है कि लड़की के घर जाने पर लड़की के बारे में सब कुछ पता करते हैं, लेकिन लड़के के बारे में कोई पता नहीं लगाता, इसलिए मैं अपने आप को खुद चेक करवाने के लिए आया हूँ। अगर मैं पसंद आ गया हूं तो मेरे माता पिता से बात कीजिए। चलता हूं। ठीक है आंटी, चलता हूं। हाँ नमस्ते। क्या लड़का देखा है आपने?
फड़फड़ बातें करता है, भौरे की तरह घूमता है, बहुत फुर्तीला है। जैसे आप मुझे देखने आए थे ना, बिल्कुल वैसे ही बातें कर रहा था। क्या? मैं तुम्हारे घर तुम्हें देखने आया था? क्यों? मेरा हाथ पकड़ के शिवजी के मंदिर ले जाकर मंगलसूत्र पहनाया और जबरदस्ती मुझसे शादी कर लिए, भूल गई क्या? चुप रही, लड़की देखने आया था। चुप रही, बेटी हमें देख रही है तो चुप रहो। जहां मौका मिला बस शुरू हो गए। जब देखो पसंद आया क्या? सुपर। मेरी नतनी, पसंद आई क्या? सिंपली सुपर। झुमके? ये और भी सुपर है। और ये? सब अच्छा ही है, बस एक बार आई लव यू कह दो, सब अच्छा लगेगा। अगले शनिवार को हमारे गांव में पूजा है, महापूजा। बहुत सारे पकवान बनाकर हम हर साल लोगों को दावत देते हैं। हम चाहते हैं कि आप भी अपने परिवार के साथ इस पूजा में आइए। अरे क्यों नहीं, हम लोग अवश्य आएंगे। आप हाथ धोकर आइए, मैं खाना परोसती हूं। अरे नहीं नहीं, मैं घर से खाकर आया हूँ। इनके लिए कुछ चाय कॉफी लेकर ही रहने दीजिए भाई साहब। आते वक्त रिश्तेदारों के घर में चाय कॉफी पी पीकर पेट पूरी तरह भर गया है। महापूजा के दिन आप सबका मैं इंतजार करूंगा, जरूर आइएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा ठीक है। बहन जी आप भी जरूर आना। ठीक है। दामाद जी आने का भूलना मत। हाँ वो जरूर आएगा। लगता है बारिश होने वाली है। ठीक है। सुनिए जी, तो फिर अपनी खेती का सारा काम आने वाले शुक्रवार तक कर ही देते हैं। ऐसा किस लिए? शनिवार को समधी जी के घर पूजा के लिए जो जाना है। पागलों जैसी बातें मत करो, हमारे घर में आकर के उसने खाना नहीं खाया, कम से कम चाय कॉफी तो पी लिया होता। जब वो हमारे घर में शादी से पहले कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, तो मैं क्यों उनके घर खाने के लिए जाऊं? देखो हमने अभी तक सिर्फ लड़की देखी है, शादी नहीं की है। अगर उनके घर पर किसी ने जाने की सोची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बात अच्छी तरह सुन लो। सुब्रमणी जी, पिताजी तू यही है क्या? अगर मुझे पता चला तू वहाँ गया है तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। आया था मुझे दावत पे बुलाने के लिए। ये ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मुझे क्या जाने वाले हो क्या? उनसे पहले पूछो। बाबा वो भड़क जाएंगे। हाँ आइए आइए। नमस्ते नमस्ते, आइए। नमस्ते 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 नमस्ते। अंदर चलिए। ए जी सभी लोग आ रहे हैं लेकिन दामाद जी के घर से कोई नहीं आया। मैं तो खुद ही जाकर उन लोगों को आने का न्योता देकर आया था। नमस्ते, नमस्ते। आइए आइए। हाँ हाँ जी बैठ। नहीं नहीं उधर नहीं, उधर रख। ए जी समधी जी आ रहे हैं। आइए 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 भाई साहब। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। ये क्या आप अकेले ही आए? मैंने सब लोगों से कहा, सभी ने मुझसे ये कहा, अभी सिर्फ लड़की देखी है, शादी तो हुई नहीं है, इसलिए मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा और मैं खुद चला आया। कम से कम आप तो आए, मुझे बहुत खुशी है। अंदर चलिए। नमस्ते, लेकर जाओ। कैसी हो बेटी? हाँ मैं ठीक हूँ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अंदर आइए। नमस्ते। बहुत अच्छा लग रहा है। सुनो समधन जी आ रही है। आइए आइए। नमस्ते नमस्ते। मैं अकेले ही आई हूँ। बाप बेटे को कुछ जरूरी काम आन पड़ा इसीलिए वो मद्रास गए हैं। मेरा मन नहीं मान रहा था इसलिए मैं अकेले ही आ गई। बहुत खुशी हुई, कम से कम आप तो आई। जाइए। हाँ, आइए आइए। कैसी हो बेटी? नमस्ते नमस्ते। आइए आइए चलो।
आ गए। नमस्ते नमस्ते। मैं अकेला ही आया हूँ। वो क्या है कि माँ पता है तुम्हारे माँ बाबूजी को बहुत जरूरी काम से अचानक मद्रास जाना पड़ा, तुम्हारा दिल नहीं माना इसलिए तुम आ गए, है ना बेटी? आपको कैसे पता चला? क्योंकि ये बात हम सभी को पता है ना बाबा? दामाद जी को अंदर ले जाओ बेटी। ठीक है बाबा। नमस्ते, नमस्ते। आइए। ये क्या हो रहा है जी? मुझे अकेले ही आना पड़ा, अकेले ही आना पड़ा ये कहकर सभी लोग आ गए। लगता है वो एक दूसरे को बताए बिना आए हैं। जब तक वो यहाँ से जाते नहीं तब तक वो एक दूसरे के सामने ना आए, इस बात की जिम्मेदारी हमारी है। तुम एक काम करो, तुम उन्हें अलग अलग कमरे में बिठाकर उनकी खातिरदारी करती रहो। मैं जाकर संबंधी जी को देखता हूँ। खाने का सारा इंतजाम हो गया ना? हाँ हो गया। खीर में काजू पिस्ता सब डाल दिया ना? हाँ डाल दिया। ये हुई ना बात, तुम बहुत होशियार हो। मेरे आने के बाद कुछ भी गड़बड़ हुआ ना तो ठीक नहीं होगा। चलो क्या? हाँ। साहब जी, साहब जी, ये सब हमारे बगीचे के फल हैं। बहुत अच्छे हैं। रामनारायण, खास लोगों का ख्याल रखने की बजाय कहाँ घूम रहा है? इनको एक ठंडा खोल कर दे। ये कौन है पता है? अपनी नंदिनी को जो लड़का देखने आया था उनकी माँ है ये। आप अकेले आई हैं क्या? हाँ, क्या करती, मुझे अकेले ही आना पड़ा। वो और मेरा बेटा कुछ जरूरी काम से मद्रास गए हैं। माँ जी एक मिनट, अपने घर में एक ही लड़की है। हाँ। तो उसके लिए दो रिश्ते क्यों ढूंढ रहे हैं? मुंह बंद रख, हम जिनके साथ रिश्ता जोड़ रहे हैं ये वही है। ऐसी बात नहीं है माँ जी, आप यहाँ इनसे रिश्ते की बात कर रही है, साहब जी वहाँ किसी और से रिश्ते की बात कर रहे हैं। दो घरों में रिश्ता जोड़ना अच्छी बात नहीं है। मैं साहब जी को अभी जाकर कहता हूँ। साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, सुनिए, ये सब ठीक नहीं है। क्या? लड़की एक है और आप रिश्ते दो देख रहे हैं। ये तुम क्या बक रहे हो? आप यहाँ नंदिनी की रिश्ते की बात कर रहे हैं और ये बात जाने बिना माँ जी वहाँ किसी और से रिश्ते की बात कर रही है। एक लड़के की शादी आप दो लड़कों के साथ कैसे कर सकते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, तू जा। तो मैं झूठा हूँ? अभी यहाँ पर मैं उनको बुलाता हूँ तब तो आप मानेंगे ना। निकल जा। क्या हुआ समधी जी, इसको क्यों मार रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, खीर में साबुदाना वगैरह डाल दिया। अच्छा ही तो किया। ठीक है। हाँ। खीर में शक्कर डाल दे, जा। चलिए अब खेलिए। हाँ। मैं सही बात कह रहा था तो मुझे बोल रहे खीर में शक्कर डाल दे। अरे रामनारायण, तुम ऐसे गाल पर हाथ रखकर क्यों जा रहे हो? कोई गाल पर चाटा ना मारे इसलिए। बहुत मजाक करते हैं ये, इनका नाम रामनारायण है, इस घर का सारा कामकाज यही संभालते हैं। Glad to meet you. अच्छा ये कौन है? ऐसा पूछ रहे हैं जैसे आपको जानते ही नहीं है। इन्हीं से तो मेरी शादी होने वाली है। टोटल तीन है क्या? सभी लोग मुझे पागल बना देंगे। साहब जी, साहब जी, साहब जी, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। साहब जी, साहब जी, साहब जी, दो नहीं तीन हो गए। क्या तीन हो गए? एक लड़के के लिए तीन लड़के। लड़कों की संख्या आबादी की तरफ बढ़ती जा रही है। अपना ये खेल बंद कीजिए और तीनों लड़कों में से नंदिनी की शादी किससे करवानी है ये फैसला जल्दी कीजिए, नहीं तो लोग आपकी इज्जत के साथ खेलने लगेंगे, मैं बता दे रहा हूँ। अपनी बेकार की बकवास बंद करो, निकल यहाँ से। आप क्या हुआ समधी जी? कुछ नहीं भाई साहब, फालतू की बकवास कर रहा है। आपने क्या फेंका? मैंने जोकर फेंका, उठा लीजिए। क्या ये? जब से आप यहाँ आए हैं तब से आपने कुछ भी नहीं खाया है, कम से कम फल तो खा लीजिए। पहले राउंड के लोग तो खाकर भी उड़ गए हैं। क्या एक राउंड हो भी गया? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों, आप भी खाना खाएंगे क्या? सबसे पहले खाना खाना हमारी परंपरा में नहीं है। मैं सभी को खाना परोसता हूँ। अरे अरे, उसके लिए नौकर है, आप वहाँ मत जाइए। मैं इन चीज के लिए शर्माता नहीं हूँ और वैसे भी ये मेरा घर है। चाहिए तो तुम भी आकर बैठो, मैं तुम्हें भी खाना परोसता हूँ। अरे अरे, आप वहाँ मत जाइए, मेरी बात तो सुनिए। अरे पत्तल लाओ भाई। भाई मैं तो एक हफ्ते का खाना एक साथ खाने वाला हूँ। तो भैया एक महीने का एक साथ खाऊंगा। आप तो कुंभकर्ण है। ये बताओ तुम्हारे मालिक तुम्हें बार बार क्यों मार रहे थे? एक लड़की की शादी तीन लड़कों से करवाने जा रहे हैं, ये कहाँ का रीति रिवाज है? तुमको समधी जी ने मारा, ठीक किया। उनकी जगह मैं होता तो तुम्हें जान से मार देता। दादा रसा डालूं क्या? हाँ। और बासुंदी खाएंगे ना? वो तो बिल्कुल खाऊंगा बेटा। हे
मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे थे ना, देखिए वो जो आ रहा है ना वो तीसरा लड़का है। ये कैसे यहाँ आ गया? अच्छा तो आप इस लड़के को पहले से जानते हैं? अबे चुप करो। पत्ता नीचे रखिए, खाना परोसना है। मैं बाद में खाऊंगा, तुम जाओ। ये क्या लाइन में पहले बैठकर बाद में खाऊंगा कह रहे हैं? पत्ता नीचे रखिए। रसा डालो क्या? डालो डालो। और बासुंदी भी खाएंगे ना? डालोगे तो भी खाएंगे। हेलो, मैंने कहा था ना पहले वाले लड़के के पिता वो यही है सांप। यहाँ देखिए, अरे देखिए देखिए तो सही। पिताजी, अरे बाप रे। पिताजी छोड़िए मुझे। नहीं छोड़ूंगा, वहाँ सबको सालन डालते आए, यहाँ सालन तेरा बाप डालेगा क्या? खुद ही ले लो। हे भगवान, फंस गए यार। क्या हुआ? मेरे पिताजी भी आए हैं। मैंने पहले ही कहा था ना कि आप वहां मत जाइए। जाने के लिए मना किया लेकिन पिताजी है क्यों नहीं कहा। हे भगवान। साहब खीर दूं क्या? रुको, साबूदाने की खीर है ना, ग्लास में डालो। अरे मर गई, ये यहाँ पे कैसे आ गए? अब क्या करूं? माँ जी आप यहीं पर हैं? हेलो, आप भी मुझे मार रहे थे ना, मैंने कहा था ना दूसरे वाले लड़के की माँ यही है। और माँ जी पहले वाले लड़के के पिता वो है, चलता हूँ। रुको, इस पत्तल को तेरा पति आकर के उठाएगा क्या? इसको उठा कर ले जाओ। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी तुम लोग उसके घर पर चले गए और नौकरों की तरह काम करने लगे, जैसे अपने घर में कोई प्रोग्राम हो रहा है और उसका जूठन उठा रहे हो। हैं? आप वहाँ क्या करने गए थे? साबूदाने की खीर है क्या? ग्लास में डालकर दो। मांग कर खा नहीं रहे थे क्या? तुम सिर्फ मुझे ही सुनाओ, वहाँ एक लड़का खाना परोस रहा था, उसे छोड़ दिया तुमने। हाँ? क्यों बेकार में आप चिल्ला रहे हैं? हमारे घर में खाने की कमी है ये सोचकर हम वहाँ नहीं गए थे। खा तो घर में भी सकते थे लेकिन लड़की बहुत पसंद है इसीलिए मैं तो मैं भी वहाँ खाने के लिए नहीं गया था, लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी इसीलिए गया था। समझ में आया? लड़की हम सबको पसंद है, झट मंगनी और पट शादी करवा दीजिए वरना कोई दूसरा उसे ब्याह कर ले जाएगा। ठीक कह रही हो। अब आप अपनी थाली उठाइए, लीजिए। सर्व मंगल मांगल्ये दिवे सर्वार्थ जातके करंगे त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। हमारी मंगनी भी हो गई और अब तक तुमने आई लव यू भी नहीं कहा। तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छे, मुझे खाना बनाना पसंद है, मुझे कपड़े धोना भी पसंद है, मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। ये काम तो हर लड़की को आता है। तुम्हें चेस खेलना आता है क्या? हाँ? चेस चेस ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड जो होता है ना उसमें दोनों तरफ कॉइन रखकर खेलते हैं ना। कैरम? कैरम? कार्ड्स? हाँ? पत्ते? पत्ते? हे भगवान ये गलत है। गोटिया खेलना? भौरा? पतंग उड़ाना? तुम्हें कुछ भी नहीं आता क्या? ए सुब्रमण्यम तू फंस गया यार। सारे खेल मैं सीख लूंगी। आप सिखाएंगे तो मैं सीख जाऊंगी। पक्का सीखोगी? हाथ आगे करो। ए, मैंने तुम्हें भौरा चलाना सिखाया,
अब एक बार आई लव यू कह दो ना। ठीक है, तुम मत कहो, मैं ही कहता हूँ। नंदिनी, आई लव यू। इस शर्माहट के लिए एक और आई लव यू। इस हंसी के लिए भी एक बार और आई लव यू। तुम जो भाग रही हो, इसके लिए एक और आई लव यू। अरे रुकिए। क्या हुआ मनोहर? नमस्ते भैया। वो सब बाद में करो, आने वाली 16 तारीख को मेरी शादी है। पूरे गांव को चिट्ठियां बांटने के बाद मेरी शादी में सबसे पहले पहुंचना, ठीक है? जरूर आऊंगा भैया। ये लीजिए आपका लेटर आया है। मुबारकबाद है क्या? अभी तक किसी को कार्ड नहीं बांटा, किसका हो सकता है? गाँव में शादी का कार्ड बन चुका है। शादी के लिए सिर्फ एक ही हफ्ता बाकी है और अचानक तुम्हें ड्यूटी पर जाना है, इसका क्या मतलब है? ऑर्डर आया है, मुझे तुरंत वहाँ पहुँचना है। देखो यूनिफॉर्म पहना है तुमने, नहीं तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देता। मैं अपने समधी जी को क्या जवाब दूंगा? मैं उनसे बात करूंगा। शादी के लिए सिर्फ एक हफ्ता ही तो बचा है बेटा, शादी होते ही तो चले जाना। ऑर्डर मिलते ही तुरंत चले जाने वाले सैनिक को सच्चा सिपाही कहते हैं। देश की रक्षा करना हमारा काम है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। रहने दीजिए भाई साहब, दामाद जी कह रहे हैं ना, जाकर 2 महीने में वापस आऊंगा, उसके बाद शादी कर लूंगा। इस महीने में होने वाली शादी अगर 2 महीने के बाद में होगी तो क्या हो जाएगा? ये मेरे दामाद नहीं रहेंगे क्या, या हम संबंधी नहीं रहेंगे? दो महीने तो क्या, चाहे 20 साल के बाद भी आए, यही मेरे दामाद रहेंगे और आप ही मेरे संबंधी। इस फैसले में कोई बदलाव नहीं आएगा, आप जाइए दामाद जी। ये आप क्या कर रहे हैं समधी जी? थैंक यू अंकल। चलता हूं। वैसे तो दूसरों के लिए हमारी 2 महीने बाद शादी होने वाली है, लेकिन मेरी नजर में तुम्हें पहली बार देखते ही तुम मेरी पत्नी बन गई। एक सैनिक की पत्नी कभी नहीं रोती। मैं चलता हूं। जरा रुकिए, मैं भी चलती हूँ। कश्मीर चलोगी? नहीं, रेलवे स्टेशन तक। आपके जाने से पहले मुझे आपसे कुछ कहना है। ठीक है, आओ कम। अरे सुब्रमण्यम जी चले गए क्या? अभी अभी गए हैं। 15 किलोमीटर साइकिल चलाकर आया हूँ, कोई फायदा नहीं हुआ। उन्हें मैंने जो लेटर दिया था वो उनका नहीं था, किसी और सुब्रमण्यम का था। गलत लेटर भेजा था, इसीलिए उन्होंने एक और लेटर भेजा है। उनके गांव गया तो पता चला कि वो इधर आए हुए हैं, लेकिन वो यहाँ पर भी नहीं मिले। ए राममूर्ति, ट्रैक्टर निकाल। ओके, और तो चला। आराम से भी तो चला सकता है ना बेटा? नहीं हो सकता। अब छोटी छोटी सी बातों पर जिद क्यों करते हैं? छोटी बात हो या बड़ी बात हो, मिलिट्री वालों को हमेशा जीतना चाहिए, तभी अपना देश सुरक्षित रहेगा। आराम से चलाओ बेटा। अरे दूल्हा दुल्हन बैठे हैं, भाई मुबारक हो। जल्दी चलाओ, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। ए, दामाद जी के स्टेशन पहुंचने से पहले उन्हें रोकना होगा, जल्दी चलाओ। तुम्हें कुछ कहना है कह रही थी ना, कहो ना। आए आए आए
लव यू। क्या? आई लव यू। क्या कहा? कुछ नहीं। बोलो ना। नहीं कुछ नहीं। ए बोलो ना प्लीज। ए एक बार बोलो ना प्लीज। अरे बोलो ना प्लीज। कुछ नहीं बोला। अरे प्लीज बोलो ना यार। नहीं अरे प्लीज बोलो ना प्लीज। एक बार बोलो ना प्लीज। एक बार मैंने कुछ नहीं बोला। बोलो ना एक बार बोलो। अरे बेटा सामने गाड़ी। एक बार तो आई लव यू बोल कहते रहे लेकिन उनके जीते जी कभी नहीं बोला। इसलिए जैसे श्री राम लिखते हैं उसी तरह रोज आई लव यू लिखती हूँ। रोज ऐसे चिल्लाती हूँ मगर सुनने के लिए वो नहीं है। आप मुझे देखते हैं तो मुझे लगता है कि वो ही मुझे देख रहे हैं लेकिन मैं उन्हें देख नहीं पाती। उस हादसे में मैं 5 दिनों तक बेहोश रही। जब 5 दिन बाद मुझे होश आया और मैंने पूछा कि वो कहाँ है तो सब कहने लगे कि वो मर गए। नहीं नहीं मुझे भी मर जाने दो। नहीं पूछिए ना। नहीं चाहती। मुझे छोड़ दीजिए। मैंने कहा आखिरी बार मुझे उनका चेहरा दिखा दो तो उन लोगों ने मुझे सिर्फ उनकी वर्दी दिखाई। I love you. I love you. उस एक्सीडेंट में मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। 25 दिन तक मैं हॉस्पिटल में ही रही। आपको भी पहली बार मैंने उस हॉस्पिटल में ही देखा था। सॉरी सिस्टर। कोई बात नहीं। वो जो पेशेंट है एक्सीडेंट हुई बस में सफर कर रहा था। बस के शीशे आंखों में घुसने की वजह से उसने अपनी दोनों आंखें खो दी लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी। उन्हें किसी और की आंखें मिल गई। आपके मंगेतर ने कहा मेरे मरने के बाद मेरी आंखें किसी और के जरिए ये दुनिया देखें। के मंगेतर की ही आंखें इस पेशेंट को दी गई हैं। मुझे उनके कमरे में ले चलिए। मैं उनकी आंखों को देख सकती हूँ क्या? नहीं मैडम, अभी अभी ऑपरेशन खत्म करके उन्हें यहाँ लेकर आए हैं। पट्टी खुलने के लिए 1 महीना लगेगा। आपकी आंखों की पट्टी कब खुलेगी? मैं ये रोज पूछती रही, बार बार आकर देखती थी। और एक दिन जब आपके रूम में कोई नहीं था तब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि आपको डिस्चार्ज कर दिया गया है। मुझे बताए बिना आपने उन्हें क्यों जाने दिया? रो रो कर मैं चिल्लाती रही। इस दुनिया में मैं जिसे देखने के लिए तरसती रही वो सिर्फ उनकी आंखें हैं लेकिन मुझे कोई समझ नहीं पाया। मैं किसी ना किसी दिन आपसे जरूर मिलूंगी और अपनी आंखों से उनकी आंखों को देखूंगी लेकिन किस्मत आपको ही इस गांव में ले आई और वो आंखें मुझे देखेंगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। कॉफी लेकर आती थी, टिफिन लेकर आती थी, मैं किसी ना किसी बहाने से आपके सामने आती रही सिर्फ इन आंखों को देखने के लिए, आपको देखने के लिए नहीं। हर कोई भगवान से लंबी उम्र और अच्छे सेहत के लिए प्रार्थना करते रहते हैं लेकिन मैं क्या मांगती हूँ पता है? कि मैं जल्दी से मर जाऊं। वो मर कर कहीं तो पैदा हुए होंगे, मैं भी जल्दी से मर कर कहीं पैदा हो जाऊंगी, तब शायद मुझे उनके साथ जीना नसीब होगा।
इतना होने के बावजूद एक लड़की किसी और से कैसे प्यार कर सकती है? उन्हें अपने दिल में बसाकर किसी और के बारे में कैसे सोच सकती है? अगर मेरे कारण आपका दिल दुखा हो तो मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपने दिल से हमेशा के लिए मिटा दीजिए। आज शनिवार है, तेल लगाकर नहाना चाहिए। गर्म पानी है, ठंडे पानी से नहाने से आपको तकलीफ होगी। कॉफी ब्रश करने के बाद पी लीजिए। उसने सिर्फ आंखों का हिस्सा काटकर जो नहीं चाहिए था वो वापस भेज दिया। उसने सिर्फ आंखें ही देखी हैं, लेकिन मेरे सीने में जो दिल है उसने कभी नहीं देखा। क्या भाई, कॉफी नहीं आई क्या? नहीं आएगी आज के बाद, सिर्फ कॉफी नहीं, खाना, तेल, शिकाकाई, गर्म पानी, कुछ भी नहीं आएगा। शुभ दिन आने वाला, शुभ दिन आने वाला है। इस घर में मालक भी प्रवेश करने वाली है, मालक भी प्रवेश करने वाली है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, माँ जगदम्बा बोल रही है, माँ जगदम्बा बोल रही है, माँ जगदम्बा बोल रही है। आइए जगदम्बा, जगदम्बा आइए, आइए आइए आइए। क्यों बे, सुबह ना चाय मिली ना नाश्ता, इस टेंशन में हम पागल हो रहे हैं और तू महालक्ष्मी प्रवेश करेगी करके चिल्ला रहा है। साले जगदम्बा वगदम्बा करके आईंदा तू इस गांव में नजर आया ना तो तू गया। जगदम्बा, चाय ना नाश्ता, मेरी तो जान निकली जा रही है। नंदिनी बहन, सामने वाला घर बंद है, आप ही लेटर उन्हें दे देंगी क्या? घर वाले सब ठीक है ना? हाँ। चलता हूँ। फोटो, फोटो लिखा है तो फोटो ही रहेगा, सब लड़कियों की फोटो है। पहले तो बैठी नाश्ता वगैरह घर बैठे मिलता था, अब एक चाय के लिए 1.5 किलोमीटर चलना पड़ता है। वो देख, अगर तू ऐसे ही सोचता रहेगा तो वो लड़की और तू एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। मेरी बात मान, तेरे मन में जो है जाकर उस लड़की को बता दे, जो भी होगा बाद में देख लेंगे। श्री
मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आपके सुब्रमण्यम को तो मैंने देखा नहीं, लेकिन अब मैं उसी सुब्रमण्यम की आंखों से आपको देख रहा हूं। सुब्रमण्यम की जगह पर मैं और मेरी जगह पर वो, तो सुब्रमण्यम क्या कहता, मैं बताऊं क्या? बताइए। I love you। आप मेरी जिंदगी में आए, मैं इसलिए ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में भी खुशियां आए, इसलिए ऐसा कह रहा हूं। आप धूप में चलें तो छांव बनकर, बारिश में भीगे तो छाता बनकर, जिंदगी भर मैं आपका साथ निभाना चाहता हूं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आसमान में रोज सूरज निकलता है और रोज ढलता है, पर प्यार किसी से एक ही बार होता है और वो जिंदगी भर नहीं मिटता। प्यार दीवार पर लगाने वाला कोई पेंट नहीं है जो त्योहारों के दिन बार बार मिटाकर लगाया जाता है। ये दिल से लिखने वाली कला है जो मैं कब की लिख चुकी हूं। एक दिल का एक ही दरवाजा और एक ही प्यार होता है, वो आज भी मेरे दिलो जान में बसे हुए हैं। आप अपने दिल को संभाल कर रखिएगा। एक गल पर मरा तो दूसरा गल सामने कर दो। अरे प्यार कोई अहिंसा नहीं है, वो एक हिंसा है। चल दूसरे रास्ते पर चलते हैं। चल बोला ना। गल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, तू याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूंगा। न्योड़ा किसको बोल रहा है बे? मन में तो हजारों आते हैं और हजारों जाते हैं। सब लोग ध्यान से सुनिए, प्यार सिर्फ एक बार होता है। झूठ, बकवास, बहाना, उसे भूल नहीं सकते, ये बात सच है। झूठ है, मुझे सिर्फ एक ही बार प्यार हुआ था। ये क्या भाई, आवाज तो आ रही लेकिन आदमी नजर नहीं आ रहा। मैं तो खड़ा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अबे भूतनी क्या है, तुझे सिर्फ एक बार प्यार हुआ था। अब अच्छी तरह से देखो, शाहरुख खान को सिर्फ एक ही बार प्यार हुआ था और सलमान खान को भी एक ही बार प्यार हुआ था। इस हीरो हीरा लाल को जिंदगी में सिर्फ एक ही बार प्यार हुआ है। इस काले कलूटे डाबर की औलाद को एक ही बार प्यार होना यह दुनिया का सबसे बड़ा इतिहास है। बदबू से नाक के बाल जल गए, निकल यहाँ से। जिसने तुम्हें सिर्फ एक बार प्यार किया वो महान औरत कौन है? मेरी पत्नी। एक औरत की जिंदगी तूने बेवजह में बर्बाद कर दी, कंग्रेचुलेशन। तलाक हो जाएगा। मेरे दोस्तों, एक फिल्म खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि अब सारे थिएटर बंद हो जाएंगे, बल्कि कल उसी थिएटर में कोई और नई फिल्म लगेगी। सामने के घर वाली आंटी अगर सूरज एक ही बार निकलेगा कहेंगी तो दूसरे दिन अंधेरा छा जाएगा। करेक्ट। अब अगर वो ये बोलेंगी कि चलने वाली हवा एक ही बार चलेगी तो कोई सांस ही नहीं ले पाएगा। धड़कता हुआ दिल अगर एक ही बार धड़केगा तो फिर कोई जिंदा ही नहीं बचेगा। अगर मन किसी एक ही को चाहेगा तो फिर वो मन मन नहीं कहलाएगा। कौन है वे? कौन शोर मचा रहा है? क्या मालूम। ए, क्या भाई, मेरी कहानी सुनकर आसमान भी रोने लग गया? अरे अरे बारिश हो रही है, मैं तो जा रहा हूँ। कहाँ भाग रहा है? रुक, ये बारिश धरती को स्वच्छ करने के लिए नहीं हो रही है,
मन को स्वच्छ करने के लिए हो रही है। अब मैं भीग रहा हूँ, बट वन थिंग, मैं यहाँ अकेला नहीं भीग रहा हूँ। हे भगवान, मेरी आंखें! अरे क्या हो गया मेरी आंखों को? हे भगवान, मेरी आंखें बहुत दर्द कर रही है, मुझे कुछ जैसा नहीं आ रहा है। गणेश, क्या हुआ? कोई आकर मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। क्या हुआ गणेश? जल्दी करो, गणेश, गणेश क्या हुआ? गणेश क्या हुआ? क्या हुआ? हाथ निकालिए, बताइए ना क्या हुआ? क्या हुआ? देखिए, अच्छी तरह से देखिए, जिन आंखों से आप प्यार करती हैं, उन्हीं आंखों में मेरा प्यार बसा है। आप मना करती हैं तो सिर्फ मेरा मन ही नहीं, ये आंखें भी रोती हैं। पहले ही बोल रहा था बारिश में मत भीग, मत भीग। मेरी सुनता ही कौन है? अरे तूने तो कहा था कि बारिश में भीगने से लड़की के दिल में प्यार जागेगा, अब मुझे ही दोष दे रहा है। प्यार जागना तो दूर, उसने तो कुछ जवाब भी नहीं दिया। सर तार आया है। सीधा इजहार करने में शर्म आती है ना, इसलिए तार भेज दिया। क्यों भाई, पोस्टमैन की स्ट्राइक खत्म हो गई क्या? हाँ खत्म हो गई। दोबारा कब है? गणेश, मदर सीरियस? कम इमीडिएटली, माँ को क्या हुआ? क्या पता क्या हुआ, लग ही नहीं रहा। चल चलते हैं ना। आने में इतनी देर क्यों हो गई? क्या हुआ, क्या बात है? बहुत ही चिंतित दिखाई दे रहे हैं। तू क्या मुंह देख रही है, इन फलों को टोकरी में रख। ए, और उस आईने पर एक भी दाग नहीं दिखना चाहिए। हाँ ए, ये सब दिए गिराकर क्यों जा रहा है? माँ आओ, गणेश तुम आ गए, ये देखो अभी तो मैंने तुम्हें काफिर गिरा दिए। दिए तुमने? माँ तुम्हें क्या हुआ था? मुझे क्या हुआ है? माँ सीरियस, ऐसा तार आया था इसलिए मैं तुरंत चला आया। हाँ बेटा, शादी के लिए 4 ही दिन बचे और तू नहीं आया तो और कैसे तार भेजते? किसकी शादी है? हाँ तेरे पापा की शादी है। देख, तूने जिस लड़की को पसंद करके लेटर भेजा था उसी से हमने तेरी शादी तय की है। हम दोनों ने उसके घर वालों से बात करके सब तय कर लिया है। नहीं माँ, मैंने ऐसा कोई लेटर नहीं भेजा। नहीं लिखा? अभी लाती हूँ। क्यों बे, कहीं तूने तो लेटर नहीं भेजा? अरे मैंने अपनी माँ को नहीं भेजा तो तुम्हारी माँ को क्यों भेजूंगा? देख, ये तूने ही भेजा था ना। मेरी प्यारी माँ को अपने बेटे गणेश का प्यार। आपने जो फोटो भेजी थी उसमें से मुझे एक लड़की पसंद आ गई। आप उस लड़की के घर वालों से बात करके शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए, मैं जल्दी से आ जाऊंगा। आपका बेटा गणेश। ये लेटर मैंने नहीं लिखा है। तो फिर किसने लिखा? मैं बताता हूँ, तेरे बाबा ने लिखा होगा। हा? देखो माँ, मैं कसम खाकर कह रहा हूँ ये शादी मैं नहीं करूँगा। हर बार तेरी जीत नहीं चलेगी। आप चुप रहिए। इस लड़की में क्या कमी है? इससे तो क्या, किसी लड़की से शादी नहीं करूँगा। देख बेटा,
मुहूर्त निकल गया है, कार्ड छप चुके हैं, पूरे गांव में बढ़ चुके हैं। अब यही तेरी पत्नी है और अब ये तेरी शादी हर हाल में होकर रहेगी। नंदिनी जरा यहाँ आओ बेटी। हाँ अभी आती हूँ बाबा। ठीक है बेटी। शगुन की थैलियाँ लोगों में बांटनी है नकल, इसलिए मैं नारियल डाल रही थी। तुमसे एक बात कहनी है, मानोगी क्या? कहिए ना। मेरी बात मानो, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हें देखते ही वो अजीब तरीके से पेश आता है, कुछ अनर्थ ना हो जाए ये सोचकर मुझे डर लग रहा है। कल सुबह शादी देकर हम चले जाएंगे माँ जी। अगर तुम यहाँ रहोगी तो ये शादी होगी ही नहीं, आगे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम यही चाहती हो कि उसकी शादी ना हो तो मत जाओ। जी, मेरी वजह से ये शादी रुकनी नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ माँ जी। क्या हुआ बेटी? चलो घर चलते हैं बाबा, चलो ना चलते हैं। सामने के घर के बाहर भी रंगोली बनाइए। शादी है और आप यहाँ हैं, आपकी शादी का क्या हुआ? शादी के लिए मैंने मना कर दिया। सुबह शादी है, अब तुझे लड़की पसंद नहीं है, शादी नहीं करूँगा कह रहा, तू पागल हो गया है क्या? देखो माँ, मैं नंदिनी से प्यार करता हूँ। तेरे मन में नंदिनी है या नहीं ये जरूरी नहीं, पर उसके मन में तू है क्या ये बात जरूरी है। जिसने तुझे पसंद ही नहीं किया ये जानते हुए, और जो शादी करना चाहती है, घर बसाना चाहती है, खुशी के सपने सजाकर बैठी हुई है, उसकी जिंदगी मत बर्बाद कर। देखो माँ, उस लड़की की जिंदगी बर्बाद ना हो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैं उस लड़की के लायक नहीं हूँ। मन में किसी और को रखकर किसी और लड़की से शादी कर लेने से मैं उसका पति बन जाऊंगा क्या? ऐसी जिंदगी क्या खुशहाल होगी? मैं उस लड़की से ये झूठी बात बिल्कुल नहीं बोल सकता हूँ कि तुम्हारे अलावा मेरे दिल में और कोई नहीं है। देख बेटा, उसे दिल से निकाल कर तू इस लड़की से शादी करेगा या नहीं? प्यार में लोग दुनिया को भुला देते हैं, लेकिन प्यार को जिंदगी भर भुलाया नहीं जा सकता है। 4 साल की उम्र में पढ़ी हुई आ आ ई ई और दूसरी में पढ़ी हुई ABCD मैं आज तक नहीं भूला। साथ में पढ़े हुए दोस्त और पढ़ाने वाले टीचर्स सब लोग मुझे याद हैं। पढ़ाई को ध्यान में रखकर इंटरव्यू में पास होकर जॉब पर जाना नहीं भूला। हर महीने की 1 तारीख को तनख्वाह लेना नहीं भूला। 25 साल की उम्र में एक लड़की से प्यार करता हूँ ये जानते हुए किसी और लड़की से शादी करके उसे भूल जाऊं कह रही हूँ? कैसे भुला सकता हूँ माँ?
शादी के वक्त मंगलसूत्र पहनाने का मंत्र तो बना है, लेकिन किसी लड़की को मन से निकालने के लिए कोई मंत्र है क्या? ये शादी नहीं करनी है बोलकर, नींद की गोलियां या जहर खाकर सुसाइड लेटर लिखकर अगर मैं मर गया होता तो तुम लोग फूट फूट कर रोने लगते, और तुम्हारा यही लड़का तुम्हारे सामने खड़े रहकर मना कर रहा है, फिर भी तुम लोग नहीं मान रहे हो। आगे तुम्हारी मर्जी, सोच लो, अब जो करना है सो करो। सुनिए, इधर आइए, आखिरी पल में मुझे शादी नहीं करनी कहकर जिद कर रहा है, आप ही समझाइए ना। इसको समझाने की बात छोड़ो, पहले ये क्या कहना चाहते हैं उसको सुनो। उससे शादी नहीं करनी है, ये बात आपके बेटे ने गांव आते ही हमें बता दी थी, लेकिन ये बात आपने हमसे छुपा कर रखी। आपके बेटे ने सीधा हमारे घर आकर मेरे सामने, मेरी बेटी के सामने अपनी सारी बात बता दी। सारे गांव में काट बढ़ चुके हैं, सारे रिश्तेदारों को भी खबर कर दी है। अचानक ये शादी रुक गई तो क्या होगा? मैं सभी लोगों को क्या जवाब दूं? हमने सोच लिया है, मेरी बेटी की पसंद का एक और लड़का है, देखा है हमने। दूल्हा जरूर बदल जाएगा, लेकिन ये शादी धूमधाम से ही होगी। मेरी बेटी अब भी बहुत खुश है। हाँ यार, मेरी शादी है, अचानक सब फिक्स हो गया यार, तुम जरूर आना। क्या अचानक कहने से मेरी शादी नहीं होगी? साले जोक मत मार, समय पे आ जाना। ओके, साथ बड़े हुए, साथ खेले पढ़े, हमेशा तेरे साथ रहा, तेरे प्यार के खातिर, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता यार। थैंक्स। आपके माँ बाप ने आपकी शादी हो इसलिए दिल में कितनी तमन्ना लिए बैठे रहे, कितने ही मंदिरों में प्रार्थना की होगी। सब कुछ अच्छा होने जा रहा था कि आप सब कुछ छोड़कर यहाँ पर चले आए, किस लिए? अपने प्यार के खातिर। प्यार कोई दीवार पर लगाने वाली चीज नहीं है जो हर त्योहार पर बार बार मिटाकर लगाई जाए, वो दिल से लिखने वाली कला है। सूरज रोज ही निकलता है और रोज ही ढलता है, पर प्यार एक ही बार पैदा होता है और वो जिंदगी भर नहीं मिटता, ये तो जानती ही हो। बस ना मिले तो ऑटो में जाते हैं, ऑटो ना मिले तो टैक्सी में जाते हैं, लेकिन जिसे प्यार ना मिले तो उसे कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। जहां पर भी जाओगे दिल वापस उसी जगह पर आएगा, उसी रास्ते पर, इसलिए वापस आया हूं। आने वाली खुशियों को छोड़कर दुख के पीछे क्यों भाग रहे हैं आप? जो चीज खो गई उसे ढूंढना तो चाहिए, नहीं मिलेगी ये सोचकर कोशिश भी ना करूं। जब कोई दिल में बसा हो तो दूसरे से शादी कैसे कर सकता है? उसी तरह मैं भी आपसे प्यार करता हूं और आप दूसरे से शादी करने के लिए कह रही हैं, ये कहां का इंसाफ है? एक नापसंद लड़की से शादी करके घर बसाने से अच्छा अपनी पसंद की लड़की को जिंदगी भर देखकर ही जी लूंगा, इसलिए यहां चला आया। देखकर जी लूंगा, याद करके जी लूंगा, ये शब्द सिर्फ सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन इस तरह जीना नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? इस दुनिया में जो इंसान नहीं है उसकी याद में आप जी सकती हैं, उसी तरह मैं भी जी सकता हूँ। एक लड़की का प्यार अगर इतना ऊंचा है तो एक लड़के का प्यार किस वजह से उसके बराबर नहीं है? एक बच्चा अगर अपाहिज भी होता है तब भी एक माँ उसे कभी अपने से दूर नहीं करती, उसी तरह मेरा प्यार भी अपाहिज है। देख तो सकता हूँ, पास नहीं जा सकता, दोस्ती कर सकता हूँ, साथ नहीं जी सकता, फिर भी मैं अपने प्यार को दूर नहीं करना चाहता। 9 महीने अपनी कोख में रखकर जितना प्यार माँ बच्चे से करती है, उस प्यार से भी ज्यादा मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मेरा प्यार पवित्र है। मैं नहीं मिलूंगी जानते हुए, अब क्यों मुझसे प्यार करते हैं, क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? मिलन होना ही प्यार नहीं होता है, हम कभी नहीं मिलेंगे ये मालूम है। सूर्य को देखकर दिन बिताने वाली सूर्यमुखी जैसे जीती है, उसे ही प्यार कहते हैं। साथ मिलकर जीना ही प्यार नहीं होता, मैं तुम्हारे साथ भी ना रहूं तो मेरा प्यार प्यार ही रहेगा। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो क्या? ये मांग कर लेने वाला प्यार है? आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे प्यार करता रहूंगा,
चाहे तुम मुझसे प्यार ना करो, ये भी एक प्यार है, बिना स्वार्थ के एक सच्चा प्यार। मुझसे प्यार करने की जरूरत नहीं है, मुझे याद करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन कभी रास्ते पर अगर हम लोग मिले तो सर झुका कर न जाते हुए मुझसे नजरें मिलाकर जाएंगी, यही मेरे लिए बहुत होगा। उन्हीं नजरों के सहारे मैं अपनी जिंदगी बिता दूंगा। लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन मेरा प्यार अंधा नहीं है, मेरे प्यार की तो आंखें हैं। देखते ही प्यार होता है मैंने सुना है, बिना देखे प्यार होता है ये भी सुना है, लेकिन आपको सिर्फ देख कर जीना, ये मेरा प्यार है, चाहे लोग मुझे पागल समझे। जिस तरह सूर्य को हर दिशा में जाते हुए सूर्यमुखी देखती है, उसी तरह आप जिस दिशा में जाएंगी उस दिशा को देखकर मैं जीऊंगा, यही मेरी जिंदगी होगी, यही मेरा फैसला है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं इसी में खुश हूं। क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं। जरा रुकिए, प्यार नहीं चाहिए, एक चाय तो मिल जाएगी, पिए हुए बहुत दिन हो गए। ये क्या आप इतनी जल्दी लेकर आ गई? नहीं, ये तेल है, आज शनिवार है ना, सर पर मलकर नहा लीजिए। प्यार का मतलब मिलना भी नहीं है और बिछड़ना भी नहीं है, एक दूसरे के लिए जीना है। ये दोनों कुछ ऐसे ही हैं, ना तो कभी मिले और ना ही कभी बिछड़े।